जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अटेम्प्ट करेंगे, मेरे साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ़ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कह रहा है कि ओमेगा जो है वो काल्पनिक इकाई घनमूल है, तो हमें निकालना है वैल्यू की। एक्स इक्वल टू रिलेशन दिया है ए और बी के साथ, वाई का रिलेशन दिया है ए और बी के साथ, और जेड का भी दिया है, और हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल वे में करेंगे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा मान लें, अगर हम ए और बी की वैल्यू हम 1 लेंगे, लेकिन ऑप्शन 2 मिसमैच हो जाएंगे, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन मैच मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम ले लेंगे वैल्यू, आप लीजिए ए इक्वल टू ले लीजिए 2 और बी इक्वल टू भी 2 ले लीजिए, दोनों को आप इक्वल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ए और बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह -1 रख देंगे। चलिए, हमने ए और बी दोनों की जगह पे हमने क्या किया, ओमेगा 2 रख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू निकल के आया वो कितना आ जाएगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा जब हम ए की जगह पर ओमेगा रखेंगे, बी की जगह पर अगर हम ओमेगा रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। दोनों जगह पे 2 रखा हमने, ओमेगा कॉमन, हमने 2 को कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती -1, इसकी जगह पे हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। इसी तरह से आप जेड निकाल लीजिए तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा हमारा, वही ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा, ये भी -2 आ जाएगा। अच्छा, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। देखते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। देखिएगा, एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा। -2 की पावर में रखेंगे तो भाई ये -8 आएगा और ये भी -8 आएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 माइनस हो जाएगा 16, 16 और 64 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 रखने पर, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 2 रखने पर जो वैल्यू हमको 48 मिल जाएगी वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो भाई ये तो 8 हो जाएगा, 8 + 8 ये तो 16 हो जाएगा, ये विकल्प नहीं हो सकता, 0 वाला हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा 8 × 16 × 32, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 8, 4 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 8 × 8 = 16 हो जाएगा ये भी, है ना, ठीक है। अच्छा, ये ए स्क्वायर था, 4 हो गया, 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 16 हो गया। इसकी बात करते हैं, अब ये मतलब लास्ट वाला ऑप्शन यही है कि यही हो जाएगा, 3 × ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये भी हो जाएगा 8 × 8 = 16 हो जाएगा, 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, पहले वाले का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में डी करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जेड इज इक्वल टू √3 + i/2, और तो हमें वैल्यू निकालनी है जेड की पावर 101 प्लस आई की पावर 103 और होल पावर में दिया गया है 105। चलिएगा, अटेम्प्ट करेंगे इस प्रश्न को मेरे साथ में, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना। अच्छा, एक बात हमको पता है कि ओमेगा बन सकता है अगर हम इसको थोड़ी सी कोशिश करें। देखिएगा, ये z इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे कितना, ये दिया गया है √3 प्लस में i डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। वेरी गुड इवनिंग सर, रामचरण सर, चलिएगा, हाँ दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा iz इज इक्वल टू, देखिएगा ये हो जाएगा i√3/2 प्लस i का मल्टीप्लाई होगा i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, उसे हम पहले लिखे ले रहे हैं, तो ये -1 हो जाएगा,
प्लस का आई रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, और आपको पता ही है ओमेगा के बराबर होता है, तो आई जेड बराबर कितना हो गया, ओमेगा हो गया। दोनों तरफ फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का जेड बराबर आई ओमेगा हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आई ओमेगा। अच्छा, हम जेड की पावर 101 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आई की पावर 103 की निकाल लेते हैं, फिर होल पावर के साथ चलेंगे। देखिएगा, हमें निकालना है यहाँ पे क्या, जेड की पावर में कितना, 101। जेड की पावर में 101 मतलब कि माइनस आई और ओमेगा, जेड हमने निकाल लिया, माइनस का आई और ओमेगा आया, आई ओमेगा आया, इसकी पावर में कितना 100, इसकी पावर में 101 कर लीजिए। ठीक है भाई, माइनस दे देगा क्योंकि पावर में विषम संख्या है। ठीक है, आई की पावर 101, तीन से भाग दे दीजिए इसको, चार से भाग देंगे, है ना, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो चार एक नम चार, चार दूनी आठ हो जाएगा, आठ दो बचा 21, चार पंचे 20, मतलब एक आई बच जाएगा हमारे पास। ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1, है ना, तो इसको 3 से भाग दीजिए, तो तीन त्रिक 9 हो जाएगा, और तीन त्रिक 9 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना, तीन त्रिक 9 एक हो गया, 11 तीन त्रिक 9 2 बच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसी तरह से i की पावर 103 की वैल्यू भी निकाल लें, i की पावर 103 की वैल्यू निकाल लिया जाए, i की पावर कितना था, जेड की पावर ये हो गया हमारा आई ओमेगा, माइनस का आई ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह i की पावर 103 निकाल लीजिए, i की पावर 103 निकालेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, i की पावर में 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ i बचने वाला है हमारे पास, i की पावर 103, अरे आई की पावर 4 से भाग देंगे ना, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 23 हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर बचेगा, आई क्यूब बचेगा यहाँ पे, है ना, 4 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 3 बच जाएगा, और इसका मतलब है आई क्यूब का क्या होता है, माइनस का आई होता है। आइए चलते हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है कितनी, जेड की पावर 101 प्लस आई की पावर 103 और इसकी होल पावर दी गई है 105। जेड की पावर 101 का मतलब हो गया कि ये माइनस का हो गया ओमेगा स्क्वायर, और साथ में हमारे पास ये माइनस का आई हो गया, और इनकी होल पावर में 105 गिवन है। अच्छा देखिएगा, 105 दिया गया है ना, हम कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे अंदर ही अंदर साइड ही माइनस का, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, माइनस का आई, माइनस का आई हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, उसकी पावर में 105 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का ओमेगा हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, और ये भी बन जाएगा हमारा माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के आई ओमेगा हो जाएंगे, और इनकी पावर में 105 है। चलिएगा, आई की पावर 105 है, तो जब आई की पावर 4 से भाग दिया जाएगा इसको, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे आई बचेगा, और ओमेगा की पावर 3 से जब भाग देंगे तो 5 एक 6, है ना भाई, ओमेगा की पावर 3, देखो इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है ना, तो मतलब ओमेगा क्यूब यानी कि 3 का फैक्टर हो जाएगा, 3 से पूरी तरह से विभाजित है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कि हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे हमको आई, इसकी वैल्यू आई के बराबर आई है, किसकी वैल्यू आई, इसकी बराबर वैल्यू आई है इसकी, आई के बराबर। ठीक है, तो हम जेड, देखिए जेड इज इक्वल टू हमने क्या निकालना, आई ओमेगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें आई चाहिए। दूसरा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू ये भी नहीं हो सकता। क्यूब करके देखा जाए, जेड क्यूब यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस का आई ओमेगा, उसकी पावर में कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, ये आ जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा पहले तो, फिर आई की पावर 3 का वैल्यू माइनस आई होता है, तो ये प्लस का आई बन जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आई के बराबर। क्या आना चाहिए था, आई, क्या आया, आई कहाँ से आया, ऑप्शन नंबर सी से, है ना, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 2 में सी ऑप्शन जो होगा, सर जीवन सर वेरी गुड इवनिंग, चलेगा 2 में सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को आसान है, बढ़िया बनाया गया है, है ना। अब देखिएगा भाई, हमको पता ही है x इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है इन्होंने x इज इक्वल टू दिया गया है e की पावर i थीटा, और 1 बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई एक्स आपको पता है वो बराबर हो जाता है किसके, e की पावर में माइनस i थीटा के, माइनस i थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा,
अगर इन्हीं में पावर m लगा दी जाए, इसमें पावर m लगा दी जाए, x की पावर m इक्वल टू हो जाएगा e की पावर में i m थीटा, और अगर 1 बाई x की पावर m कर दिया जाएगा तो e की पावर में आ जाएगा माइनस का i m थीटा, ठीक है। हाँ ओके, अब दोनों को जोड़ लिया जाए, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पता है, देखिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए x प्लस आई साइन थीटा और x प्लस x माइनस आई साइन थीटा जोड़ा जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा हमारे पास 2 कॉस m थीटा, है ना, 2 कॉस m थीटा ये आ जाएगा, पावर में 4 हो जाएगा माइनस, जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो अब साइन साइन बचेगा हमारे पास, साइन वाला टर्म सिर्फ बचेंगे, है ना, तो घटाने पे यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स, भाई ये एक्स की पावर एम है, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा आई साइन थीटा, ये होता है, और अगर इन दोनों को घटाया जाएगा ये माइनस के आई साइन थीटा हो जाएंगे, घटाया जाएगा तो भाई वो तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस के साइन 2 आई साइन थीटा हो जाएगा, ये है ना, कितना हो जाएगा ये 2i sin थीटा, और इसकी पावर में कितना है 4, चलिएगा 2 की पावर 4 पूरे से कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 m थीटा माइनस sin की पावर 4 m थीटा, ये हो जाएगा 16 को बाहर कर लीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी किया जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा माइनस का sin स्क्वायर m थीटा, और आपको पता है किसके बराबर होता है, cos 2 m थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर बराबर cos 2 x, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हो गया 16 cos 2 m थीटा, यानी कि तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एक बार सभी के जवाब ले लेता हूं, चलेगा जवाब देते जाएंगे साथ में ही करते जाएंगे, ठीक है मजा आएगा, बढ़िया से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है सभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके बाद हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, चलेगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखें, यहां पे लिखा हुआ है कि इफ 6 प्लस 8 आई इज रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इक्वेशन दी गई हमको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जिसका एक रूट इसका दिया गया है 6 प्लस 8 आई, तो जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट दिया जाता है तो अगर एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा वाला क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होता है ना, उसका क्या होगा संयुग्मी होगा, संयुग्मी कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 8 आई की आई की जगह पे माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 आई हो जाएगा। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे p की वैल्यू और q की वैल्यू चाहिए, दिमाग लग रहा है कि तुरंत हम क्या करें सम ऑफ रूट निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, तो एक हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट बराबर क्या होता है माइनस b बाई a, दोनों को जोड़ेंगे तो 8i कट जाएगा, 6 कितने हो जाएंगे 12। अच्छा माइनस b का वैल्यू कितना भाई p दिया गया है और a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि यहां से हमको मिल गया p इज इक्वल टू कितना माइनस का 12। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया जाए, दोनों मूलों का गुणनफल निकाल लिया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, है ना, क्या होता है सी बाई ए, ये कितना हो जाएगा भाई इधर हो गया सी बाई ए, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी 36 माइनस 64 आई स्क्वायर, तो 36 आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 रखिए प्लस ये हो जाएगा 64 इक्वल टू सी, सी का वैल्यू इधर क्यू है और ए का वैल्यू 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा साहब 100 आ जाएगा, पी बराबर माइनस 12 आ जाएगा, क्यू बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ठीक है व्रजवीर चौहान सर बिल्कुल सही सर ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन चौथे का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है कि इफ ए प्लस आई बी इज जीरो ऑफ अ रियल पॉलिनोमियल, कह रहा है हमारे पास कोई रियल पॉलिनोमियल है देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, रियल पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है और उसका एक रूट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि भाई अगर इसका एक रूट यानी कि अल्फा बराबर मान लीजिए दिया गया है ए प्लस आई बी
है ना, और हमसे कह रहा है कि एक रियल पॉलिनोमियल है, एक वास्तविक बहुपद है ना, जिसके गुणांक हैं वो क्या सभी वास्तविक हैं, तो क्या होगा जो उसका अगला जो जीरो होगा यानी कि बीटा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा ए माइनस का आई बी हो जाएगा, है ना, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रजवीर सर शानदार, है ना, आगे बढ़ेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छः। क्वेश्चन नंबर छः में कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर देन द लोकस ऑफ जेड, है ना, हमसे कह रहा है कि इसका कोणांक दिया गया है जेड माइनस वन बटा जेड प्लस वन का वो पाई बाई फोर है और हमको लोकस निकालना है यानी कि बिंदुपथ निकालना है किसका, जेड का। तो एक काम करते हैं, जब भी कभी कोई बिंदुपथ का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, जेड बराबर सबसे पहले आप क्या मान लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट और जिसकी जगह पे हम रखेंगे x प्लस आई वाई, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो x माइनस वन को हमने अलग कर लिया, प्लस हो गया ये आई वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसके साथ भी वही करना है, रियल पार्ट अलग कर लेंगे रखने के बाद जेड की जगह पे, और इज इक्वल टू कितना हो गया साहब ये पाई बाई फोर दिया गया है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि आर्गुमेंट जेड वन बटा जेड टू तो वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू के, है ना। तो भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड वन निकाला जाए, ऊपर वाले का निकाला जाए आर्गुमेंट, ऊपर वाले का आर्गुमेंट आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना, वाई कितना हमारा वाई है और एक्स की जगह पे कितना है एक्स माइनस वन है, माइनस टेन इनवर्स वही वाई बाई एक्स, वाई बाई ये एक्स प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई फोर हो गया। अच्छा, वही फार्मूला लगाया जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, कितना हो जाता है वन माइनस ए बी ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा वाई बटे में एक्स माइनस वन माइनस वाई बटे में एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई आ जाएगा वन प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स माइनस वन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और इक्वल टू देखिए जो टेन इनवर्स यहाँ से निकल के आएगा वो इधर आएगा और इसे वन बना देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वही हालात आने वाले हैं, एकदम सिंपल से देखिएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई प्लस वाई, फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, भाई जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक्स वाई को एक्स वाई से काट दिया जाए कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, देखिए वाई वाई टू वाई हो जाएंगे, इनको दोनों को उधर ही उठा लीजिए, माइनस का टू वाई हो जाएगा, अब माइनस का वन इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे हमें कौन से एक्स और वाई के जब गुणांक हमें क्या मिलते हैं सेम मिलते हैं तो ये एक्स जो इसका गुणांक वन है, इसका गुणांक वन है दोनों का, बीच में प्लस चिन्ह है दोनों प्लस के हैं, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की होती है ना। तो सिक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रणाम सर विनय गुप्ता सर, डी वाला ऑप्शन इसमें अब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साहब, है ना। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, सिक्स का बी सही होगा, ब्रजवीर सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शानदार सर, के डब्ल्यू मैथ क्लासेस सर एक बार देखेंगे, सर्कल ही बनेगा, चलेगा सर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन को अटेम्प्ट करेंगे, एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को क्लास सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा, चलेगा। कह रहा है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री रिप्रेजेंट्स द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो वो कह रहा है कि जेड वन जेड टू जेड थ्री जो है ना वो क्या है वर्टाइसेस हैं, इनके शीर्ष दिए गए हैं। चलो इसका शीर्ष मान लेते हैं जेड वन ये है, और इसका शीर्ष मान लेते हैं जेड टू, और इसका शीर्ष मान लेते हैं जेड थ्री, और कह रहा है कि मॉडुलस जेड वन इक्वल टू मॉडुलस जेड टू इक्वल टू मॉडुलस जेड थ्री, यानी कि अब क्या किया हमको जेड वन जेड टू जेड थ्री के जो मॉड दिए गए हैं वो बराबर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है इंडिकेशन है कि ये जो है यानी कि मॉडुलस मतलब कि मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि केंद्र से दूरी है ना, मूल बिंदु से ओरिजिन से दूरी, तो ओरिजिन से जो दूरी है वो सभी की क्या है बराबर है, ओरिजिन से जो दूरी है वो सभी की क्या है बराबर है। अच्छा, कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, और आपको पता है कि अगर ओरिजिन से दूरी बराबर है, ये ओरिजिन है हमारा 0,0,0, अच्छा अगर इसकी दूरी बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सेंट्रॉयड है, ये क्या है इसका सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड मतलब इसका केंद्रक है,
सॉरी अगर इसकी दूरी बराबर सेंट्राइड नहीं, सेंट्राइड नहीं, ये क्या होगा सर्कमसर्किल होगा, सर्कमसर्किल होगा ना, तीनों शीर्षों की जब दूरी बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये जो है पॉइंट हमारा सर्कम सेंटर है। और आप जानते हैं कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, किसी समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वही क्या, जो परिकेंद्र होता है वही केंद्रक होता है, वही क्या होता है केंद्रक। तो केंद्रक कैसे निकालेंगे, पहला शीर्ष प्लस दूसरा शीर्ष प्लस तीसरा शीर्ष बाई थ्री, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ओरिजिन है हमारा जीरो प्लस जीरो आई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, केंद्रक के निर्देशांक निकाले गए हैं, है ना, क्या होता है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री, और वो कहाँ पे है केंद्रक जीरो पे है तो जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये मिल गया हमको जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि सातवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, सेवेंथ का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। देन द वैल्यू ऑफ हमसे जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री पूछी गई थी, तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो हो जाएगी, है ना साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे एट, क्वेश्चन नंबर एट एक बेहतरीन क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको हम, बस इसे थोड़ा सा समझना है, करिएगा मेरे साथ इस प्रश्न को, आसान सा प्रश्न है ये, चलिएगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही था सेवेंथ सी अरुण सर, रेखा कुमारी मैडम बहुत बढ़िया, चलेगा। हाँ तो देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमें ना कुछ ऐसा बनाना है कि जिससे ना यहाँ साइन मिले, साइन में एक बटे दो किसका मान होता है, साइन तीस का मान होता है ना, साइन तीस का मान होता है और कॉस में ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है कितना, कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, और इसकी पावर में कितना दिया गया है फाइव प्लस, और सेम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है, बस क्या है बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा हमारा पाई बाई सिक्स माइनस आई साइन पाई बाई सिक्स, और उसकी पावर में कितना हो गया फाइव। अब देखिए डिमाइवर थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो ये फाइव क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साहब, फाइव इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन फाइव बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स प्लस, अब यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे तो एंगल में ये आ जाएगा फाइव, यहाँ भी वही सेम, तो ये हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स और माइनस का हो जाएगा आई साइन फाइव पाई बाई सिक्स, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास टू, देखिए कॉस पाई बाई सिक्स टू आ जाएगा, हम एक काम करते हैं इसे हम चेंज कर देते हैं, कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा कॉस एक सौ अस्सी माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का टू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाई सिक्स आ जाएगा, तो माइनस का और इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट तीन बटे, तो दोनों को काट देंगे कितना आ जाएगा माइनस का अंडर रूट तीन आ जाएगा, है ना, माइनस का अंडर रूट तीन, मतलब कि देखिए ये कह तो रहा है कि भाई जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है छोटा है ना, ये तो बड़ा कह रहा है, रियल पार्ट क्या है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो ये तो जीरो छोटा आ रहा है, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है जीरो के बराबर है ना, इमेजिनरी पार्ट चूंकि इसमें नहीं है तो क्या है जीरो के बराबर है। आठवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एट्थ में कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, एट्थ बी, ब्रजवीर चौहान सर, विनीत सर बहुत बढ़िया शानदार, है ना, चलेगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहे द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दी गई है, अच्छा ये आपको पता ही होगा ये वाला सीन तो, है ना, कोई अगर यहाँ पे कुछ कोई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फा होगा, यहाँ पे होगी तो पाई माइनस अल्फा होगा, और यहाँ पे होगा तो माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, और ये माइनस अल्फा होगा, चलेगा। अब भाई दोनों नेगेटिव है मतलब वो यहाँ पे आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे पहले हमें अल्फा निकालना है, पहले तो जेड को लिख लिया जाए, जेड बराबर कितना दिया गया है माइनस का वन और माइनस का दिया गया है आई रूट थ्री, ठीक है, चलिए अल्फा निकाल लिया जाए, अल्फा बराबर मिल जाएगा हमको टैन इनवर्स मॉड लगा लेते हैं वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स माइनस का वन माइनस वन, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा टैन इनवर्स कितना अंडर रूट तीन ना, मॉड के अंदर अंडर रूट तीन हो गया तो ये आ जाएगा, आज थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क हो गया है, टैन साठ हो जाएगा, तो ये टैन इनवर्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टैन साठ, टैन सिक्सटी, है ना, इन दोनों को हटा दिया जाए
1060 का मतलब होता है कि पाई बाई थ्री, ये हो गया पाई बाई थ्री। और आपको क्या निकालना है, इसका कोणांक निकालना है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, मुख्य कोणांक निकालना है। तो जो मुख्य कोणांक हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास आया पाई बाई थ्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ये 2π/3। लेकिन कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, वैसे तो करेक्ट आंसर यही है लेकिन कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो हम 2π इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2π/3 प्लस का 2π कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4π/3 आ जाएगा, है ना, 4π/3 आ जाएगा, 240। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है दरअसल, है ना, तो उन्होंने 240 को करेक्ट आंसर माना था, तो उसमें 2π को ऐड करके, मतलब कि भाई इधर से ना निकाल के, इधर से ना निकाल के इधर से निकाल लो, दोनों राउंड वही एंगल लिया गया है, उन्होंने वही एंगल लिया है। ठीक है, तो 2π ऐड कर लिया गया, चलेगा। हाँ हाँ, तो सी वाला ऑप्शन पूछा गया है चूंकि क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसे रखा था, आगे देखेंगे। चलिए अब बताइएगा, ये इनइक्वालिटी दी गई है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस Z1+Z2 कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू मॉड Z1+Z2, माइनस वाला भी दिया गया है और प्लस वाला भी दिया गया है। बताइएगा कि दसवें में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कह रहा है कि कौन सा गलत है ये हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है ये बताना है। चलिएगा, तो आप देखेंगे कि आप पाते हैं कि भाई मॉडुलस Z1+Z2 है ना, वो क्या होगा, ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो बड़ा होता ही है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है Z1-Z2। अब जब ये इससे बड़ा है ये, तो इससे तो हर हालत में बड़ा होगा, ये भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। और मॉडुलस Z1+Z2 है ना भाई, इससे जरूर छोटा होता है लेकिन इससे तो बड़ा ही होगा, मतलब बिल्कुल ये भी सही है ना। तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी, जो सब तीनों सही है, इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है, हमसे फॉल्स वाला पूछा था, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 10 में जो डी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 10 का डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कह सकते हैं इसे हम, कह रहा है कि द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दी गई है और हमसे इसकी पोलर फॉर्म पूछी गई है ना। अब देखिएगा, दो रास्ते हैं हमारे पास इसे करने के, एक तो हम इसकी वैल्यू रख के सिंपलीफाई करके फिर करें, दूसरा रास्ता है कि अगर ये आइलर फॉर्म में कन्वर्ट है, ऑलरेडी रखी हुई है भाई, e की पावर i π/3 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करने का जुगाड़ सोचा जाए। अब देखिए, एक वैल्यू -1 है और एक वैल्यू क्या है, 1 है, और साइन में -1 और 1 वैल्यू किसी ऐसे एंगल की बराबर नहीं होती कि दोनों की एक की वैल्यू -1 में पहुंच जाए और एक की 1 में पहुंच जाए, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा किसी एक एंगल में, है ना। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि 1/2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, तो 1/√2 से भाग देते हैं, तो 1√2 को चुपचाप यहाँ रख लिया जाए, अच्छा, और इसको यहाँ रख दिया जाए, माइनस का आ जाएगा 1/√2 और प्लस का आ जाएगा कितना, i/√2। ठीक है, तो भाई कॉस में वैल्यू हमको निगेटिव चाहिए, तो 90+45 की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी और 90+45 ये भी हो जाएगा, sin 45 ये रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, e की पावर में लिख सकते हैं i π/3, अच्छा, √2 को चुपचाप रहने दिया जाए, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू है किसकी, cos 3π/4, cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है और प्लस आ जाएगा i sin 3π/4, है ना, और डिवाइडेड बाई हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर में i π/3। अब देखिए, इसको भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ई वाली में √2 को यहाँ रखा जाए, तो ये e की पावर में आ जाएगा कितना, i आ जाएगा 3π/4, और चाहे नीचे वाली को जाके ऊपर हम घटा सकते हैं ना, माइनस का आ जाएगा ये π/3, ये माइनस हो जाएगा, अच्छा, ये आ जाएगा √2 और e की पावर में आ जाएगा i को चुपचाप रहने दिया जाए, कितना हो जाएगा, 9 - 4 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 5π/12। इसे फिर से एक्सपेंड कर लिया जाए तो यही आ जाएगा cos 5π/12 प्लस में आ जाएगा i sin 5π/12, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन जो 11 का है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 11 का डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना।
चलेगा। एक बार आपके भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे मैं खान सर का। अरुण कुमार सर बिल्कुल सही है सर, गजब सर, बहुत तरीके से पकड़ा है आपने इस प्रश्न को, शानदार। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है कि घन के इकाई के काल्पनिक मूलों के कोणांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन इकाई के काल्पनिक मूलों के कोणांक ज्ञात करने हैं हमको, उनके आर्गुमेंट बताने हैं। अच्छा, कौन कौन होते हैं भाई? एक ओमेगा होता है और दूसरा कौन होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वही हमारी माइनस का 1/2 प्लस √3/2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? माइनस का 1/2 माइनस का √3/2, ये होती है। अच्छा, हम ओमेगा को निकालते हैं पहले। इस ओमेगा के लिए इसका कोणांक निकाला जाए, इसका आर्गुमेंट निकाला जाए। अच्छा देखिए, दोनों की वैल्यू सेम है, जिसका अल्फा निकालेंगे ना तो क्या आएगा? अल्फा आएगा टैन इनवर्स, यहाँ पे मॉड इस्तेमाल कर लीजिए, यह आ जाएगा √3/2 और उसमें बटा करना है कितना? माइनस का 1/2, 2 से 2 काट देंगे, √3 आएगा। टैन इनवर्स √3 का मतलब वही हो गया हमारा कि 60 का मतलब हो गया π/3। ये वैल्यू π/3 आ गई, चूंकि एक्स नेगेटिव है ना, कहाँ पे है? एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे है, इसका क्या हो जाएगा? π-α, है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? π-α। तो π-π/3, तो यानी ये निकल के आ गया 2π/3। अच्छा, इसमें भी सब कुछ सेम है, बस हमें क्या करना है, जब इसका हम थीटा निकालेंगे तो हमें -π-α निकालना होता है ना। तो माइनस आ जाएगा पाई माइनस, वही हमारा आ जाएगा π/3। तो ये सिर्फ आने वाला है माइनस का 2π/3, यानी कि ये दोनों कोणांक होते हैं ना, 2π/3 भी होता है और माइनस का 2π/3 भी होता है, यानी कि 12 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पे कभी ऐसा बोथ वाला होता है ना, तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वही करेक्ट हो जाएगा, अगर हम तुक्का एक्सपर्ट हैं तो, है ना। तो 12वीं में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ ए प्लस आई बी की पावर में 1/3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, तो हमसे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 4 × x² - y² किसके बराबर होगी, ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पे 1/3 रखा है ना, तो अगर हम इसका होल क्यूब कर दें दोनों साइड, तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है क्या? ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। होल क्यूब एक्सपेंड करते जाइए, एक्स क्यूब आएगा, आई क्यूब वाई क्यूब, है ना। तो ये प्लस का आएगा, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई हो जाएगी, तो ये माइनस का आई वाई क्यूब हो जाएगा। अच्छा, प्लस में आ जाएगा 3xyi इंटू, ये आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का आई वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x² yi माइनस, देखिए आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 3xy² और इधर क्या है हमारे पास? ए प्लस आई बी। अगर हम दोनों साइड क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट की अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमको? मिल जाएगा ए इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy² और जो बी इक्वल टू मिलेगा, बी इक्वल टू मिल जाएगा कितना? यहाँ पर मिल जाएगा 3x² y - y³। हम पहले ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, विकल्प को ही ट्राई करेंगे, देखिएगा। अच्छा, इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x² - 3y² और इधर से अगर हम y कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3x² बचेगा, y निकल जाएगा माइनस का y², ये इतना आ जाएगा। अच्छा, हमको पता है, देखो a वाले में x कॉमन है ना, a/x, तो ये हो जाएगा हमारा a/x प्लस b/y इक्वल टू, भाई x x सबके कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² - 3y² + 3x² - y² जोड़ देंगे 3x² और 1x², ये हो जाएंगे 4x² - 4y² और ये बिल्कुल सही था, यही पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ रहा है। इसी की वैल्यू हमसे पूछा तो किसके बराबर है? a/x + b/y के बराबर, है ना। तो 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साहब 13 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया अरुण सर का। विनीत कुमार सर, शानदार, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया सर, चलेगा आगे बढ़ेंगे। 13 में ए, रेखा कुमारी मैडम बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करेंगे। लिखा हुआ है कि z = y, z की पावर 4 = y, देन द वैल्यू ऑफ z =
हम कह रहे हैं जेड का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है जेड की पावर में 4 इक्वल टू आई, इसे हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आई की पावर में 1/4। आई को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं भाई 90, साइन 90 का मान होता है भाई, अगर हम इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखें, साइन थीटा यानी कि साइन 90 रखा जाए तभी आई बचेगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, है ना, उसकी पावर में कितना है 1/4। हाँ, डिमाइमर थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, वो जो पावर होती है वो एंगल के साथ इनटू में आ जाती है, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आई साइन पाई बाई 8, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है कि सी वाला जो ऑप्शन है 14 का, 14 का सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आए हुए हैं यहाँ पे विनीत सर, अरुण सर, एम ए खान सर, शानदार विनीत सर, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 1+i√3 की पावर 6 प्लस 1-i√3 की पावर 6। अब देखिएगा यहाँ पे कमी खल रही तो सिर्फ एक आदमी की, है ना, इनके बटे में कौन आ जाए, 2। अगर इसके बटे में 2 आ जाए तो काम हो जाए आसान, और इसके बटे में 2 आ जाए तो हो जाए काम आसान, और ऐसे तो आएगा नहीं, उसके लिए हमको डिवाइड भी कर, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर चूंकि तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 को हमने निकाल लिया बाहर, और अब इसको थोड़ा सा सेटअप की ज़रूरत है बस, बाकी सब कुछ आसान हो चुका है। 2 की पावर 6 को चुपचाप बाहर में रखा जाए। अब देखिएगा भाई पावर में सम है, तो अगर हम इसे माइनस का 1/2 लिख दें और इसे माइनस का √3/2 लिख दें, है ना, ये लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि ऊपर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि पावर सम संख्या लगी हुई है ना। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस i√3 लिखा हुआ है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस और वो 1 प्लस में लिखा हुआ है, हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा दूसरे वाले को भी। अच्छा, दूसरे वाले में मान लीजिए हमको कॉमन लेना पड़े, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, क्या माइनस का 1/2 हमको चाहिए, ये प्लस का हो जाए, तो अरे वही कोई बात नहीं भाई, पावर में सम है ना, तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 1/2, माइनस कॉमन लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, प्लस का हो जाएगा i√3, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, चलेगा। तो 2 की पावर 6 पूरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 6 को बाहर रखा जाए। देखिए ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा है, और ओमेगा की पावर ये 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये कितना हमारा ओमेगा की पावर में 6 से हो जाएगा, है ना, ये ओमेगा का है। अच्छा, हमको पता है कि जब 3 या 3 का गुणज हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 की पावर 6 32 दुनी हो जाएगा 64 गुणे, और ये देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 मिला के 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया साहब 128 आ गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया पंकज सिंह पटेल जी, अरुण सर, विनीत सर, शानदार और बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वही हमारा x इक्वल टू दिया गया है। अच्छा, x इक्वल टू दिया है cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, मतलब कि x इक्वल टू इन्होंने दिया है माइनस का आई थीटा। अच्छा, अगर हमें 1/2 निकालना होगा तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर आई थीटा। अच्छा, अगर इनका क्यूब निकालना होगा तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो e की पावर आ जाएगा माइनस का आई आएगा और 3 थीटा हो जाएगा, 1/x³ इक्वल टू हो जाएगा e की पावर में आई और ये 3 थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस में रहेगा। ठीक है, दोनों को घटाना है, घटा दिया जाए, x³ कितना हो जाएगा भाई, x³ हो जाएगा हमारा, यहाँ रख रहे हैं x³, देखिए इस x³ क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा माइनस का आई साइन 3 थीटा माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे e की पावर आई थीटा है, e की पावर आई थीटा दोनों प्लस में होते हैं, तो ये तो cos 3 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का आई साइन 3 थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2i sin 3 थीटा,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है 16 का, वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 16 में बी खान सर, पंकज सिंह पटेल, अरुण सर। सर अरुण सर 16 में ए क्यों आएगा? माइनस भी तो रहेगा ना, थोड़ी सी गलती ही भारी पड़ सकती है क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कह रहा है कि स्टेटमेंट ए दिया गया है और स्टेटमेंट बी दिया गया है। कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ दियर आर्गुमेंट्स। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं जो प्रोडक्ट में दी गई हैं, उनके कोणांक की बात हो रही है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू दिया गया है, तो इनका जो आर्गुमेंट होगा वो कह रहा है कि सम ऑफ दियर आर्गुमेंट्स, कह रहा है कि वो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू के बराबर होता है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में होती हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में होती हैं, तो उनके अलग अलग सम आर्गुमेंट उनका जो होगा उनके आर्गुमेंट के सम के बराबर हो जाता है अलग अलग, है ना। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रू है, हमारा जो ए है वो ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट बी द आर्गुमेंट ऑफ द कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कि हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक जेड वन है, दूसरी क्या है जेड टू है, है ना। ठीक है, कोशेंट मतलब भागफल, द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर आर्गुमेंट्स। तो भाई सम के बराबर तो नहीं होता ये, ये किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। तो दूसरी वाली जो बात दी गई वो फॉल्स दी गई, वो गलत दी गई है, बल्कि जो स्टेटमेंट ए था वो बिल्कुल करेक्ट था, है ना। स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 17 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। 17 का ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे ब्रजवीर सर का, रेखा कुमारी मैम बिल्कुल सही, अरुण कुमार सर शानदार, खान सर शानदार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई, अच्छा एक बात आपको हमने बताई थी कि ये जो होता है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, ये बराबर होता है आई के, और 1 माइनस आई 1 प्लस आई जो होता है वो माइनस आई के बराबर होता है। ये यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। उसने कहा है कि ए माइनस आई बी इक्वल टू में पटे में दिया गया है ए प्लस आई बी, और ये वन प्लस आई बटे वन माइनस आई आई के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो आ जाएगा ए माइनस आई बी इज इक्वल टू आ जाएगा आई ए, और आई आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस का बी हो जाएगा, सबको उठा के एक तरफ रख लिया जाए। अच्छा तो यहाँ से आने वाला है हमारे पास ए माइनस आई ए, ठीक है, प्लस का बी आ जाएगा, प्लस का बी आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का ए हो गया, ए माइनस आई बी बट्टे में ए प्लस आई बी था, ठीक है, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू वो माइनस वन हो गया, यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करिए भाई, बी को इधर हमने उठा लिया, माइनस के आई ए को भी इधर ही उठा लिया हमने, माइनस का आई बी अपनी जगह पे है, आई बी अपनी जगह पे है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए कॉमन ले लिया जाए, ए अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आई आ जाएगा, और यहाँ से भी बी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई पूरे से कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस आई दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी बचेगा, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, है ना। तो भाई पहला वाला तो 1 प्लस आई, ये आ जाएगा 1 माइनस आई, एक ब्रैकेट आ गया, एक फैक्टर आ गया, इक्वल टू जीरो है, है ना। तो एक काम करो ना, 1 माइनस आई को मारो उधर गोली, हमको ए और बी से मतलब है ना, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड में उसको ले जाओ, ए प्लस बी बराबर जीरो आ जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भाई, 18 में जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार सभी के जवाब लेता हूँ, 18 में बी ब्रजवीर सर का आया है, शानदार सर, खान सर बिल्कुल सही, अरुण कुमार सर बिल्कुल सही, पंकज सिंह पटेल बिल्कुल सही, शानदार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 12 प्लस 5 पाई प्लस रूट 12 माइनस 5 पाई। तो एक बात आपको बता दें कि जब भी कभी हमें रूट मान लीजिए निकालना होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई, है ना, चलिए इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस होगा हमारे पास और ये होगा अंडर रूट। एक तो हमें याद रखना है कि मॉडुलस z निकालना है, मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है उसका क्या करना है, हमें मॉड निकालना है, फिर
प्लस एक्स, एक्स मतलब जो रियल पार्ट है, डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रखा जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रखा जाएगा, और इसके आगे रखेंगे आई, और यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर में मॉडुलस जेड माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये याद रखेंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो हम इसके वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस हटा देते हैं दोनों का। देखिएगा इधर ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आएगा हमारे पास कितना, मॉडुलस जेड 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25 169, 169 का मतलब हो गया कि ये आ गया 13, है ना। प्लस एक्स, एक्स का मतलब वो रियल पार्ट है ना, 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। फिर क्या भाई, चूंकि प्लस है तो यहाँ प्लस रखा जाएगा, इसके बाद रूट के अंदर आ जाएगा ये 13 माइनस का एक्स वही हमारा 12/2, ये पहला निकल गया। दूसरे वाले के पास आओ, दूसरे वाले के पास सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो फिर यहाँ हमारे पास प्लस हो गया और रूट में आ गया हमारे पास कितना, ये 13 प्लस 12/2, और यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया ये, और रूट के अंदर आ जाएगा 13 माइनस 12/2, ठीक है। देखिएगा ये देख रहे हैं, मुझे कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट। देखिएगा भाई ये है और ये दोनों मिला के 2 बन जाएंगे, तो ये 13 और 12 25 हो जाएंगे, तो ये 25/2 आ जाएगा। रूट के बाहर इसको आज़ाद कराएंगे तो एक तो 5 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 रहेगा, ऊपर वाले 2 को काटेगा तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा, नमस्ते सतीश यादव सर, चलिएगा। हाँ, इसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि z बार इज इक्वल टू ये दिया गया है और z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो हमको इसका बिंदु पथ बताना है। देखिएगा, हाँ अब हमारी बात समझेंगे, वही सेम बात है हमारे पास, हमें पता है z क्या है, x प्लस आई वाई है, और z बार क्या है, इसका कॉन्जुगेट है यानी कि x माइनस आई वाई, तो रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस में आई वाई, और इंटू में क्या आ जाएगा, x माइनस का आई वाई इक्वल टू मॉडुलस के अंदर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा भाई जेड प्लस का आई वाई और प्लस एक्स माइनस का आई वाई आ जाएगा। देखिए आई वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, मॉड 2x वही हमारा 2x ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही उम्दा, डी सर्किल आ रहा है ना, बिल्कुल सही। 19 में डी आएगा ना, सी कैसे आएगा, रेखा मैडम, अरुण सर, 20 में कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा, चलेगा, सॉरी सी नहीं डी आएगा ना, सर्कल सर्कल आएगा, ओके साहब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही आया यहाँ पे पंकज सिंह का, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही होगा, सर्कल, चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डरावना है ना, कई बार कॉन्सेप्ट की गलतियाँ होती हैं, तो हमें पता है कि जहाँ जहाँ माइनस वहाँ हम आई स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, तो 16 आई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया कि ये 4 आई आ गए, और यहाँ पे ये हमारे 5 आई आ गए, और ये यहाँ पे 6 आई आ गए, और ये माइनस के कितने आ गए, ये हो जाएंगे हमारे 625 आई स्क्वायर, यानी कि 25 आई आ गए, कितने आ गए 25 आई आ गए। अच्छा सबको जोड़ लिया जाए, 5 4 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, अरे ये 15 हो जाएगा भाई, ये 15 होगा ना, सॉरी 15 4 हो जाएंगे 19 और 6 हो जाएंगे भाई ये 25 आई, और माइनस का कितना आ जाएगा 25 आई, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 21 में बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था 21 का बी, है ना विनीत सर, बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से, चलेगा साहब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन आप द इक्वेशन, हम एक काम करते हैं, अब समझने की कोशिश करिए, ये यहाँ पे गिवन है कि 1 माइनस आई, मॉडुलस के अंदर दिया गया है 1 माइनस आई,
की पावर x इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2x दिया गया है। इसका मॉड ले लीजिए अंदर, इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसकी पावर में x, और इधर कितना दिया गया, x बाय x दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसकी भी 2 की पावर में कितना, x बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर x। अब देखिए आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जब बेस इक्वल होते हैं, आधार बराबर हो तो घाते दोनों बराबर हो जाती हैं, तो x बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x उधर लाके ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना 0, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 22 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बात है, लिखा हुआ cos 150 प्लस आई साइन 150 डिवाइडेड बाई cos 60 प्लस आई साइन 60। अब इसको सीधा सीधी सिंपल सा करना है, क्या करना है, e की पावर आ जाएगा ये आई 150, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा आई 60, ऊपर जाके घटा दीजिए, e की पावर आ जाएगा आई, और ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 60, तो e की पावर में कितना आ जाएगा आई 90। आई 90 का मतलब क्या हो गया कि ये cos 90 प्लस आई साइन 90, है ना, तो कितना आ गया 0 प्लस आई, कितना आ गया आई, तो किसके बराबर हो जाएगा, 23 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब विनीत सर, शानदार, है ना, बिल्कुल लाजवाब। चलेगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि x इज इक्वल टू अगर दिया जाए 3 प्लस आई, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15 इज क्या होगी, ये बताना है हमको। देखिएगा हमें एक बात पता है कि यहाँ से x इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमको, ये गिवन है, इन्होंने दिया है x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू, चलो हमने i ले लिया, 3 को इधर ट्रांसफर कर लिया। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ बनाया जाए, यहाँ से कुछ बनाया जाए, और वो बनाया जाए कि थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाए, है ना। देखते हैं, अगर इन दोनों में हम देखते हैं तो x स्क्वायर कॉमन है, तो हमने x स्क्वायर को लिया कॉमन, और यहाँ पे बच्चा x, यहाँ पे बच्चा माइनस का 3, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। अब देखिए ये 8 है, 8 से हम यहाँ भी चाह रहे हैं कि x माइनस 3 बने, तो भाई हम माइनस का 8 लेंगे कॉमन, ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पे 8 प्लस का बच गया, हम x प्लस का बच गया, हमको माइनस 3 चाहिए, और 8 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा 24, तो हम क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे 24 घटा देंगे, और जो 24 हमने जोड़ा है वो इसके साथ करेंगे, ठीक है। इसी में क्या करिए भाई, प्लस का 24 करिए, अब माइनस का 24 कर दीजिए, ठीक है, प्लस का 24 माइनस का 24, प्लस वाले को इनके साथ एडजस्ट करिए, इनके साथ 24 8 दिया गया है ना, ठीक है हाँ, प्लस का 24 और माइनस का 24, तो हमने क्या किया, प्लस वाले 24 को उसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये माइनस का ये बना दिया हमारे पास। अब इनको घटा दो भाई, ये प्लस के 15 है, माइनस के 24 हैं, माइनस के 9 बचेंगे। अब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि एक प्रश्न बहुत आसान हो गया, जहां x माइनस 3 है वहां पे हमको i रखना है, रख दीजिए i, अच्छा एक्स स्क्वायर भी तो निकाल लो, एक्स स्क्वायर भी निकाल लीजिए यहां से, इसी का वर्ग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, माइनस का 1, और प्लस का आ जाएगा कितना 3 × 6 i, यानी कि कितना आ गया 8 + 6 i, तो यहाँ पे रखा जा सकता है क्या 8 + 6 i इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर है, i के बराबर है, वो भी रख दिया जाए, माइनस का 8 i हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, i का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 i हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, i स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे तो, और माइनस का 8 i, माइनस का 9 हो जाएगा, 8 i को ख़त्म कर दीजिए, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मालिक, 24 का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बेहतरीन जवाब आया है रुद्र सर का, और यहाँ पे विनोद सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 24 का सर बी ऑप्शन सही होगा, है ना, बिल्कुल सही, और सटीक तरीके से लगाने की कोशिश की गई है यहाँ भी, तो 24 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसे। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। अच्छा
अब मैं इसे करूं, इसको रेशनलाइज करूं, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करूं, उसके बाद कैलकुलेट करूं, तब तक मैं परीक्षा में बहुत कुछ छोड़ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आसान किया जा सकता है अगर थीटा की वैल्यू कुछ रख ली जाए। हम चाह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट को ना हटाया जाए, तो हम चाह रहे हैं कि थीटा की जगह पे 90 अंश रखें, जिससे आई जिंदा रहे और कॉस थीटा खत्म हो जाए। ठीक है, रखते हैं, लेट किया जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा जाए। रखिए, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3/2 प्लस, देखिए कॉस 90 का मान 0 होता है, हम उसे छोड़ रहे हैं, साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि 3/2 प्लस आई आ गया, ये है ना। एक काम करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, इसके लिए क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन इसका किया जाए, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट खत्म किया जाए पहले। तो ये आपको पता है कि ये माइनस का आई हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस का आई, तो कितना आ जाएगा, ये चुपचाप रहने दिया जाए, और ये कितना हो जाएगा, 2 - i डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 6/5 माइनस का 3i बटे में कितना, 5। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, एक वैल्यू आपको मिली है x इज इक्वल टू 6/5 और दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू मिली है कितनी, माइनस का 3/5, है ना। हाँ, x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं, बाई ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा लिए जाएं, ठीक है, ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा लिए जाएं, सभी ऑप्शन को सेटिस्फाइड करवाएंगे हम इसमें, चूंकि हमें पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा रहे हैं, बाकी आप सभी में रख के कर लीजिएगा, है ना। देखिएगा, ये हम सी ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो चूंकि 6 36/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 36/25 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25 माइनस 4x हो जाएगा ये 6 * 4 = 24/5 प्लस कितना हो जाएगा, 3, है ना। चलिए यहाँ पे 25 ही रहेगा, 35 नहीं, 25 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45/25 45/25 का मतलब हो गया कि ये 5 से काट देंगे तो 9/5, है ना, ये कितना हो गया, 9/5, इन दोनों को हल किया 9/5 आ गया, ये 24/5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, 5 भाई 9 - 24 घटा देंगे 15 बचेगा, 15 माइनस के वो भी 15/5 प्लस का 3 काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 + 3 = 0। ये इसे संतुष्ट कर रही है वैल्यू, है ना, जो हमारे x की और y की वैल्यू निकाली है संतुष्ट कर रही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो 25 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 25 में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाइड करवाइएगा रेखा कुमारी मैडम, चलेगा। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3, हमें यहाँ पे 2 + √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिएगा, 2 + √ का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है, मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो एक सिंपल सी बात यह है कि इसे हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना होगा। बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 + √2 और नीचे क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, जो हमने डिवाइड किया है 1/√2 को चुपचाप बाहर कर लिया जाए, और यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 4 + √3, 2√3 से 2 को बाहर करें, √3 × 1, यानी कि √3 + 1 का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, √3 + 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो वही आएगा, 3 + 1 + 2√3, 3 + 1 = 4 बन जाएगा, मतलब वही बन जाएगा। वर्गमूल से अगर बाहर निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा, ये वर्ग और वर्गमूल दोनों हट गए और यहाँ पे आ गया कितना, √3 + 1 बटे में आ गया √2, है ना, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए, यहाँ √2 होता तो इसको हम बोल सकते थे ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 दिया गया है, कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि गिवन दैट 1 + i, देखिएगा यहाँ पे, हाँ
वन प्लस आई इन्होंने दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है वन प्लस आई रूट थ्री की पावर 100 है ना, तो हमें निकालना है इसका रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि अगर ये जेड है हमारी, जेड इज इक्वल टू ये दिया गया है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू दिया इन्होंने वन प्लस आई रूट थ्री और उसकी पावर में गिवन है 100। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर 2 होगा, 2 की पावर 100 होगा, तो 2 की पावर 100 को हम कॉमन ले लेंगे, जबकि डिवाइड में अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक कॉमन पावर में कितना है, सम संख्या है ना, तो हम क्या करते हैं इसका माइनस का 1 बना लें, माइनस का 1/2 और माइनस का हो जाएगा आई स्क्वायर रूट 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, माइनस दोनों को ले लेंगे हम, दोनों को अगर एक एक चिन्ह का ले लें भाई, माइनस वन कॉमन लेगा, माइनस वन की पावर 100, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हम अंदर क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ओमेगा बन जाए, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 और ये कितना हो जाएगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर का होता है मानिए, माइनस 1/2 माइनस आई रूट 3/2, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये ऊपर 100 है तो 200 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी जो जेड है वो आ जाएगी कितना, 2 की पावर 100 तो रहेगी रहेगी, इसको क्या करिए ओमेगा क्यूब 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 6×18 हो जाएगा 2, ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बचने वाला है ना, कितना बचेगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, अच्छा ओमेगा स्क्वायर भाई, ओमेगा स्क्वायर बच गया, यानी कि ये आ गया हमारा 2 की पावर 100 और इसका ओमेगा स्क्वायर वही रख दिया जाए, माइनस का आ जाएगा 1/2 माइनस का आ जाएगा आई रूट 3/2 और उसकी पावर में दिया गया है 100, 100 कहाँ पावर तो निपट गई ना, पावर निपट गई, पावर हुई ख़त्म, ठीक है। अब देखिएगा हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो निकालना है ना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना दिया गया, रियल पार्ट ऑफ जेड है हमारा 2 की पावर 100 आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा माइनस का 1/2, फिर डिवाइड में आ जाइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वही रहेगा 2 की पावर 100 और माइनस का आ जाएगा कितना, अंडर रूट 3/2, 2 की पावर 100 को 2 की पावर 100 से काट दिया जाए, माइनस को माइनस से काट दिया जाए, तो ये आ जाएगा 1/√3, 2 से 2 को काट दिया जाए, वरना तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा, देखिए 2 cos थीटा प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब क्या है कि अगर x की जगह पे i थीटा रखा गया होगा और 1/x की जगह पे क्या रखा गया होगा, e की पावर x की जगह पे क्या रखा गया होगा, i थीटा, और 1/x की जगह पे क्या रखा, e की पावर i थीटा है ना, और 1/x की जगह पे क्या रखा गया होगा, e की पावर में माइनस i थीटा, तब दोनों को जोड़ा गया होगा तब 2 cos थीटा बना होगा, और यही सेम काम किया गया होगा यहाँ पे, यानी कि y इज इक्वल टू रखा गया होगा e की पावर में आई फाई, और 1/y इज इक्वल टू रखा गया होगा e की पावर में माइनस का आई फाई, ये रखा गया होगा है ना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अच्छा हमें वैल्यू निकालनी है x/m, देखते हैं यहाँ पे x/m, x की पावर m बाई y की पावर n प्लस y की पावर n बाई x की पावर m इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे x की जगह पे रखेंगे e की पावर i थीटा, अच्छा e की पावर i थीटा हो जाएगा ये e की पावर में i थीटा डिवाइडेड बाई, और y की जगह पे रखेंगे यहाँ पे पावर में m है तो m मल्टीप्लाई में आ जाएगा है ना, और ये हो जाएगा y की, y है, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं e की पावर i फाई, तो ये आ जाएगा i n फाई प्लस y की पावर में, इस y की जगह पे रखेंगे वही हमारा e की पावर में आ जाएगा i n फाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा i m फाई, चलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर में i कितना, ये आ जाएगा m थीटा माइनस n फाई प्लस, और ये देखिए ऊपर माइनस में जाएगा, माइनस ले लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा आई इंटू हमारा वही रहेगा ये भाई, ये माइनस में जाएगा ऊपर, ऊपर वाला ये फाई क्या है, ऊपर क्या था वाई था, ये थीटा होगा यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ थीटा होगा ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एम थीटा माइनस का एन फाई, वही सेम बन गया यहाँ पे भी,
ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा वो किसके बराबर होता है, टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हो जाएगा टू कॉस, कितना थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, थीटा की जगह पे दिया एम थीटा माइनस का एन फाई, तो टू इंटू कॉस एम थीटा माइनस एन फाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 में हमसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा अच्छा, अगर हम एक काम करें, यहाँ पे हम n बराबर ले लें कितने, 1 ले लें, n का मान कितना ले लें, 1। तो बताइएगा, हम यहाँ पे ले रहे हैं माना n इज इक्वल टू 1, भाई n इज इक्वल टू 1 के लिए भी क्लियर होगा, दोनों बराबर होंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी बराबर होगा, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, n बराबर 1 रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा, अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कितना हो जाएगा साहब, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को टैकल करना है, उस ऑप्शन को ढूंढना है, उस ऑप्शन को खोजना है जहाँ पे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर हमको 2 मिल जाए। तो इसके पास आते हैं कि कितना हो जाएगा भाई, एक तो ये 2 हो जाएगा गुड़े, देखिए कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा ना, पाई बाई 3 का मतलब 60, 60 का मान कितना हो जाएगा, ये इसको काट देगा, है ना। तो कितना आएगा भाई, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरे के पास चलेंगे। ये आ जाएगी 2 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा कितना कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इनटू 1 बटे 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना लाना चाहिए था, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, है ना। अगले आगे आने वाले ऑप्शंस अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ना, 29 का जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में हमसे कह रहा है कि की पावर 2n पाई आई, है ना। ये देखिएगा वही सेम ई की पावर में बन रहा है हमारे पास, आई को हम पहले ले लेते हैं, ये 2n पाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, आपको पता है ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे n बराबर 1 पुट कर देते हैं, n की जगह पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, सबके लिए चले चलता जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ठीक है। चलिए, कॉस 360 का मतलब हो गया कॉस 360 माइनस 0 कॉस 0, कॉस 0, अब सॉरी प्लस 0 रख दो चाहे माइनस 0 रख दो, सब में दोनों वही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस आई इंटू साइन 2 पाई, वही हो जाएगा साइन 0, ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो 30 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हमसे पूछा है कि पीरियड ऑफ टेन हाइपरबोलिक थीटा, देखिए टेन हाइपरबोलिक थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक थीटा, इसका जो पीरियड क्या होगा वो पाई आई होगा, और बात करते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा का तो वो होता है 2 पाई आई, है ना। कॉस का भी क्या होता है, 2 पाई आई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 का जो ए है ना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लॉग एक्स प्लस आई वाई, तो इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया, चूंकि फार्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, हाँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी जो है 32 का वो करेक्ट हो जाएगा। तो लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कह रहा है कि जेड माइनस 4 लेस देन, मॉडुलस दिया गया है, ठीक है, लेट करेंगे यहाँ पे, लेट कर लिया जाए, हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं जेड इक्वल टू कितना एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा, मॉड के अंदर रखेंगे इधर, ये आ जाएगा जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई, और इस माइनस 4 को एक साथ कर लो और ये आई वाई को अलग कर लो, ये लेस देन आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना एक्स माइनस 2
प्लस आई वाई, ठीक है। रूट लगा लिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा कितना, भाई रूट लगाएंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि आ जाएगा x माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर लेस देन आ जाएगा ये x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दिया जाए और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, बाकी इसको सब बाकी इनको इधर ले आइए, 4 इधर घटा दीजिए आके, तो ये आ जाएगा 12 और माइनस के आ जाएंगे 4x लेस देन 0, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 4x लेस देन माइनस 12 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे एक मिनट देख लेते हैं, आ रहा है ना पूरा भी, ठीक है चलेगा। 4 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन 3। x क्या है, जो x है वो रियल पार्ट है किसका, वो रियल पार्ट है किसका, z का। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, ग्रेटर देन 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, मॉडुलस z माइनस 4 अपॉन z इक्वल टू 2 दिया गया है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z, में मॉडुलस z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा करते हैं इस प्रश्न को भी, और अगर हम सिंपली इसको लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाई मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये z स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये 2z एलसीएम आएगा जो मॉडुलस z हो जाएगा, है ना। तो ये इतना कन्वर्ट होके आ जाएगा हमारा 34, चलिएगा। अब एक काम करते हैं इसका, ये सबको इधर ही ले आओ, तो ये आ जाएगा मॉडुलस z का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस z और माइनस 4 इक्वल टू 0। मॉडुलस z निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, और श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा अपान 2 इंटू ए, ठीक है। ऊपर हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 20, अब 20 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये मॉडुलस z की वैल्यू हो गई, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। और अगर हमसे z की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, z मैक्स पूछा जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5, है ना, माइनस वाले को छोड़ देंगे प्लस वाला ले लेंगे, यही मैक्सिमम होगा हमारा। तो 34 में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। ये क्वेश्चन कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड बराबर कॉस जेड माइनस एक्स, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ना, अगर आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू आप रख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री और y इज इक्वल टू आप रख रहे हैं 120 डिग्री और z इज इक्वल टू रख रहे हैं आप 240 डिग्री, है ना। अगर आप रख रहे हैं मान लीजिए, तो ये सारी तीनों को सेटिस्फाइड करेगा, स्टेटमेंट ए को भी सेटिस्फाइड करेगा, स्टेटमेंट बी को भी सेटिस्फाइड करेगा और सी जो दिया गया है ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा ही। देखिएगा यहाँ पे रख के देखते हैं, तो भाई cos x माइनस वाई, कॉस लिखा उन्होंने x माइनस वाई, तो 0 माइनस 120, माइनस का 120 होगा तो कॉस के साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस फिर कितना हो जाएगा कॉस वाई माइनस जेड, 120 माइनस 240 यानी कि कॉस माइनस का 120 यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा कॉस 120 प्लस जेड माइनस एक्स 240 माइनस 0, तो ये आ जाएगा कॉस का 240 डिग्री, कॉस 120 माइनस का 1/2, कॉस 120 माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2 होता है यानी कि माइनस का 3/2, मतलब जो एंगल है वो इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट ए और भाई मेन जो हमको दिया गया इफ कह रहा है, अगर ऐसा है तो बताइए स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो कि यहाँ करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है, इनके बारे में बताना है हमको। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए स्टेटमेंट ए की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, कॉस कितना 0 रखना x की जगह पे 0 हो जाएगा प्लस कॉस 120 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस 240। हल किया जाए इनको, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसकी माइनस 1/2 हो जाएगी और इसकी भी माइनस 1/2 हो जाएगी, इनको हल करेंगे 0 आ जाएगा, बहुत सही। b को भी देख लिया जाए
बी कितना है, ये हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो प्लस फिर कितना हो जाएगा साइन जीरो का मान, तो साइन 120 हो गया प्लस हो जाएगा साइन 240। साइन जीरो का मान जीरो ही होता है ना, साइन जीरो का मान जीरो होता है प्लस, अब हमारे पास क्या है साइन 120, साइन 120 का मतलब हो गया 90 प्लस 30 यानी कि अंडर रूट 3/2, और ये कितना साइन 240, 240 का मतलब हो गया कि 180 प्लस 60, तो साइन 180 प्लस 60 हो जाएगा माइनस का साइन 60, तो माइनस का अंडर रूट 3/2, तो दोनों को काट देंगे यहाँ भी मिल जाएगा जीरो, मतलब स्टेटमेंट ए में भी जीरो आ रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और इससे तो हमने वैल्यू ली है ना, माइनस का 3/2 आया था, सेटिस्फाइड कर रही थी ये वैल्यू, तो ये भी करेक्ट ही है, इसके आधार पर ये दोनों क्या है करेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा बोथ आर ट्रू है ना, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों क्या हैं ट्रू हैं। 35 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा था कि मॉडुलस जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1। अब देखिएगा ये हमको यहां पे गिवन है, इन्होंने दिया है, क्या दिया है कि मॉडुलस जेड प्लस 4, जेड प्लस 4 क्या है लेस देन इक्वल टू है 3 के। अच्छा तो हमको क्या करना है भाई, हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसकी, मॉडुलस जेड प्लस 1 की। अगर हमें मॉडुलस जेड प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है तो हमें करना क्या होगा, देखिएगा थोड़ा सा इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा मॉडुलस का हमारा, ये हमारा आर का वैल्यू है ठीक है, हमने जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर करवाई थी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ट्रिक हमने करवाई थी, दूसरा लेक्चर है आप हमको ना बुलाना सीरीज के अंतर्गत, आप जरूर देखिएगा इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे आराम से। देखिएगा ये जेड प्लस 1 की निकालनी है ना, जेड प्लस 1, तो हम एक काम करेंगे छोटा सा, हम इसको 1 ही बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हम जेड प्लस 4 बना लें पहले। चलिए हमने इसको जेड प्लस 4 बना लिया, अब बताइए अगर ये 1 लाना है तो क्या करना होगा, माइनस को 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये बन गया हमारे पास जेड प्लस 4 और ये माइनस का 3। अच्छा जेड प्लस 4 यानी कि जिसकी वैल्यू निकालनी, जो वैल्यू जिसकी दी गई 3 दी गई है इसकी, इसके अलावा जो नंबर दी जाती है हमको उसका हमें क्या करना होता है मापांक निकालना होता है। तो चलिए हम इसका m मान लेते हैं और इसका मापांक निकालते हैं, इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 9, 9 का मापांक कितना हो जाएगा 3 ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी अधिकतम वैल्यू चाहिए ना, अगर इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा भाई, r प्लस m, ये है r प्लस m करना होगा, r कितना है 3, m कितना है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 36 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 36 में सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमको समझ में भी आ रहा है कि जो अगर हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे, दो मान मिलेंगे हमको है ना, क्या मिलेगा एक हमको जेड बराबर मिलेगा ओमेगा और एक क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, भाई इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे। अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी जेड प्लस 1 बाई जेड, एक बात याद रखेंगे देखिएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड, जेड की जगह पे हम ओमेगा रखेंगे, लेकिन हमें एक बात पता है कि 1/ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1/ओमेगा सबकी जगह पे हम ओमेगा रखेंगे, जेड की जगह पे ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है ठीक है। चलिए पहले वाले के पास में आएंगे, सबकी जगह पे हम ओमेगा रखेंगे, ये कितना दिया इन्होंने ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, तो ये तो ओमेगा हो जाएगा प्लस 1 बाई ओमेगा का मतलब क्या होता है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये ओमेगा हो जाएगा, पावर में 2 है, पावर में 2 है कोई दिक्कत नहीं, प्लस आगे जाएंगे देखिए यहाँ पे ओमेगा रखेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 पावर मिलेंगी, ओमेगा की पावर 4 का मतलब होता है वो सेम कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह पर हम फिर से 1 रख देंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा सेम आ जाएगा पहला वाला जैसा बन जाएगा, ओमेगा की घात 4 वाले की बात कर रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ठीक है।
आगे आते हैं पांच घात के पास, भाई ओमेगा स्क्वायर ये वाले के बराबर हो जाएगा सेम, कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात दो। अब देखिए छः वाला बचा है, ओमेगा की घात तीन का मान छः होता तो ओमेगा की घात तीन का मान वन होता है, तो ओमेगा की घात छः का मान भी वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन, ठीक है पावर टू चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हम माइनस का वन रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वन रहेगा, प्लस ये भी हो जाएगा वन, और ये कितना हो जाएगा दो दूनी चार हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा वन, प्लस ये भी कितना हो जाएगा वन, प्लस आगे वाला कितना हो जाएगा दो दूनी चार, कितना आ जाएगा चार तीन बारह आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारी बारह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, ये क्लियर हो गया होगा ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज वर्टाइसेस इन द आर्गेंड प्लेन। देखिए कह रहा है किसके वर्टाइसेस होंगे, चलिएगा कोई आर्गेंड प्लेन है, आर्गेंड प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक सम्मिश्र तल है जिसमें एक्स अक्ष को रियल और वाई अक्ष को इमेजिनरी माना जाता है। चलिए ये भाई वन है तो हमने वन का तो रियल ही है, इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो है, ये वर्टाइसेस बन जाएगा हमारा। ओमेगा का क्या होता है, ये होता है माइनस का वन बाई टू और ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, ठीक है ये रियल है या इमेजिनरी वाला पार्ट है। और ओमेगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू आ जाएगा और माइनस का रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। सभी भुजाओं को निकाला जाए, दोनों सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकाला जाए, देखिएगा इनके बीच की जब दूरी हम निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वन माइनस माइनस एक बटे दो, यानी कि वन प्लस एक बटे दो, यानी कि तीन बटे दो का स्क्वायर, तीन बटे दो का स्क्वायर कितना हो गया नौ बटे चार, प्लस ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस अंडर रूट तीन बटे दो, यानी कि अंडर रूट तीन बटे दो का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा तीन बटे चार, नौ तीन हो गया बारह, बारह बटे चार यानी कि अंडर रूट तीन आ गया। इसको निकालते हैं, इसको निकालेंगे तो ये तो भाई हमारा हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा है, वन माइनस का वन बाई टू प्लस का वन बाई टू तो जीरो हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दो अंडर रूट तीन बटे दो का स्क्वायर हो जाएगा ये, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ये, अच्छा और ये वर्ग लगा रहेगा, वर्गमूल के बाहर आएगा तो अंडर रूट तीन आ जाएगा, और इसके साथ भी करेंगे सेम यही वाले पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये भी हमारा अंडर रूट तीन आ जाएगा। एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें याद रखना कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनसे जो बनने वाला ट्राइंगल होगा वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो 38 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 38 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ दृष्टि डाली जाए। चलिए यहाँ पे हमको जेड1 का वैल्यू दिया गया है 12, जेड1 कितना है 12 यानी कि 12 दिया गया है, ओके। फिर कितना जेड2 दिया गया है, ये मॉडुलस जेड2 माइनस दिया गया है हमारा 3, माइनस का हो गया 4i और इक्वल टू कितना दिया गया है 5। चलिए अब अगर हमें जेड2 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, जेड2 की मैक्सिमा मिनिमा जो भी निकालना है जेड2 निकालना है, तो हमें क्या करना होगा भाई, r कितना हमारा 5 प्लस m, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, प्लस m ये है हमारा, इसका मॉड निकाल लिया जाए 9 प्लस 16 25 5 आ जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 10 आ जाएगी, और जेड2 की अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, r माइनस m, तो ये 0 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है मॉडुलस जेड1 माइनस जेड2, तो मॉडुलस Z1 माइनस Z2 जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2। अब हमें चाहिए क्या, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना, किसकी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि भाई Z1 की तो पूरी वैल्यू रखी जाए, Z1 मॉडुलस Z1 हमको 12 दिया है, अगर हम इसकी पूरी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो Z2 का वो मान रखा जाए जो बड़ा हो, तभी तो छोटा आएगा क्योंकि माइनस का है, तो Z2 का बड़ा मान कौन सा है 10, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि मॉडुलस Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी इसकी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 2, बाकी सभी 2 से बड़ी हो जाएंगी है ना। तो 39 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश की जाए, आसानी से हो जाएगा मुझे लग रहा है। देखते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ 1 + i, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 1। देखिए 1 + i² की वैल्यू हमने -1 रख दी, प्लस का आ जाएगा साहब ये 2i, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3 - i। प्लस यहाँ पे आएंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 - 2i, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 + i। इस 1 को 1 से काट देंगे, इस -1 को -1 से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं चलिएगा। LCM लेंगे यहाँ पे हम, तो नीचे आ जाएगा हमारा 3 + i 3 - i, यानी कि हो जाएगा 9 + 1, है ना। इनका स्क्वायर -i² का वैल्यू -1 रखेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा, और इसके साथ गुणा होगा किसका, तो 2i का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6i हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2i² आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के 2i का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2i का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो माइनस के 6i हो जाएंगी, ठीक है, माइनस की 6i हो गई, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि i² की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 6i से 6i काट देंगे, ये आ जाएगा माइनस का 4/10, कैलकुलेट करेंगे तो काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/5, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 40 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसे थोड़ा सा समझने की और लगाने की ज़रूरत है। चलिएगा, हमें एक बात पता है यहाँ पे कि इन्होंने दिया है इसका वर्ग कर दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1 - c² = n² c² + 1 - 2nc। अच्छा, काट दिया जाए, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये n² c² = हो जाएगा कितना, c² और माइनस का हो जाएगा कितना, एक तो c² हो गया हमारा, माइनस का हो जाएगा 2nc। c² यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो n² = आ जाएगा, c कॉमन ले लिया जाए, c² कॉमन नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस के c² दिए गए थे ना, तो उधर जाएंगे, ये हमने n² c² रखा, ठीक है, वो c² इधर ही रहने दीजिए, वो वाला जो था माइनस का 2nc, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्टमेंट गड़बड़ा गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये n² c² था, प्लस का c² हो गया, ठीक है, और इसको हम इधर ले गए, इसको इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 2nc, c कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो n² आ जाएगा, n² + 1 हो जाएगा, c लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा 2nc, इस c से एक c काट दिया जाए, यानी कि n² + 1 की जगह पे हम रख सकते हैं कितना, 2n by c, हमको वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है किसकी, c/2n into, ये लिखा हुआ है 1 + nx, x की जगह पे देखो यहाँ से e^i θ रखा जा सकता है, तो ये n हो गया e^i θ इंटू n प्लस, और यहाँ पे रख सकते हैं n इंटू e^ में माइनस का i θ रख दिया हमने, तो ये आ जाएगा c/2n हो जाएगा भाई, 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1 + n इंटू माइनस का i θ, और प्लस का आ जाएगा n * e^i θ, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई प्लस और माइनस की आप पावर हो जाएंगी, देखो e^i θ - e^i θ, e^0 का मान 1 हो जाएगा, और n मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा, अगर इनमें n कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा e^θ + e^θ, और e^i θ + e^i θ 2 cos θ के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c/2n, और ये आ जाएगा 1 + n को किया हमने बाहर तो ये आ गया 2n cos θ + n², ठीक है, इतना हो गया ये। अच्छा, 1 + n² की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, 2n / c रख सकते हैं, 2n / c, तो ये c/2n हो गया,
चाहे तो हम n का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, रहने दीजिए, अभी फिर समझते हैं। ये 1 रहने दीजिए, प्लस 2n cos थीटा, ये हो जाएगा। और एक काम छोटा सा ये करना है, जहाँ पे 1 प्लस n स्क्वायर है उसकी जगह रख सकते हैं 2n by c, क्या रख सकते हैं 2n by c, ठीक है 2n by c। अच्छा, इसके साथ c भी है, n n c, अभी c इसके साथ कहाँ है, नहीं है, इसके साथ c नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा, देखते हैं। अच्छा, 2n ऊपर से कॉमन लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये, तो ये c आ जाएगा, c का अंदर मल्टीप्लाई करो 2n ख़त्म हो गया, तो ये c cos थीटा हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 1 प्लस c cos थीटा, 1 प्लस c cos थीटा, कहाँ पे 1 प्लस c cos थीटा, d वाला ऑप्शन जो है 41 का, वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 3, देखिए 3 log log 5 बेस 2 लिखा हुआ है, पावर इसको ऊपर ले जाइए, तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 5 की पावर 3, बेस हमारा 2 ही है, प्लस ये log 10 बेस 2 है, माइनस में हो जाएगा ये log 625 हो जाएगा, अब बेस हमारा 2 ही रहेगा। अच्छा, अब ये कितना हो गया भाई, ये सीधी सी बात है, बेस सबके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मल्टीप्लाई, देखिए जो प्लस के हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो आ जाएगा 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में 10 भी आ जाएगा, और जो माइनस में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 625, काट देंगे हम इसे, 5 × 5 = 25, तो ये 5 बचेगा, है ना, अब भाई 5 × 5 = 25, ये 25 बचेगा हमारे पास, 25 को काट देंगे 5 से, तो ये कितना बचेगा, अब यहाँ पे 5 और इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ पे 2, वो बचा क्या, बचा हमारा log 2 बेस 2, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। तो 42 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 42 में बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सभी के जो बेस हैं x हैं सेम हैं, बेस सेम है, सभी प्लस में है, तो सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अच्छा, तो ये रखने दीजिए log x, देखिए ये 2 की, ये 4 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू, और ये आ जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में आएगा भाई, प्लस में से सब इंटू में आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, 32 × 64, 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना है 12। अच्छा, फिर ये कितना हो जाएगा, log हमारा x बेस है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 की पावर ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 12, पावर पहले चली जाती है आपको पता है, पावर को आगे निकाल लीजिए, log 2 x इज इक्वल टू 12, इस 12 से इस 12 को काट दीजिए, फिर इसे log अर्थ, ये हमारे पास बन गया log 2 बेस x इज इक्वल टू 1, और इसे लिखा जाएगा x की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x की पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और ऐसा कोई मान नहीं है, तो 43 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है 1 बाई 1 प्लस ए, एक काम करेंगे छोटा सा, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहां से 1 प्लस ए निकाल लिया जाए, पहले तो यहां पे 1 प्लस ए निकाला जाए, 1 प्लस ए, 1 कितना है नहीं पता हमको, अच्छा ए रख लेते हैं पहले, ए कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है log y z, अब बेस में है x। अच्छा, अगर हम बेस x ले लें यहाँ पे भी, तो भाई हमको पता है कि log x ले लें और बेस भी x ले लें, तो नंबर और बेस अगर इक्वल होते हैं log में, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log में क्या x y z बेस x लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर हमें 1/ लिखना होगा, 1/a+1 या 1+a, तो कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा log में x y z, बेस में आएंगे और ये log x आ जाएगा, log x बेस x y z, है ना, चेंज हो जाएंगे 1/a। अच्छा, इसी तरह से हमें निकालना होगा 1/b, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसकी तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हो गई log x और बेस में कितना है x y z, प्लस जब हम b के पास जाएंगे तो वो हमारे पास y आ जाएगा, यहाँ पे log y, बेस में वही रहेगा x y z, और ये आ जाएगा हमारे पास log x y z, और ये यहाँ पे आ जाएगा
जेड, ठीक है। अब सभी के बेस सेम है ना, और बीच में प्लस साइन है तो सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और वन कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो 44 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अब देखिएगा ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, हमें यहाँ पे जनरल वैल्यू निकालनी है एक्स की, ये लिखा हुआ है। अब एक बात हमको पता है यहाँ पे कि लॉग क्या, लॉग बी या लॉग ए ले लो, यहाँ पे लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाई लॉग बी, तो वही सेम काम यहाँ पे भी करना है हमको, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। अच्छा सबको इधर लाएंगे ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना, ठीक है। चलिए वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, दोनों तरफ लॉग हैं, लॉग लेके हटा दिया जाए कितना आ जाएगा, चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग का कितना हो जाएगा, ये कॉट एक्स कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इज इक्वल टू कितना 0, बेस को ई ले लो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर 0 इज इक्वल टू कॉट एक्स, और इसका मान 1 होता है, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन एक्स बना दो 1 को, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 4, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 45 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, 46 में कह रहा है कि सॉल्व x की पावर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 10x। देखिएगा यहाँ पे बाई ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा लिया जाए, है ना, हम बाई ऑप्शन रख रहे हैं यहाँ पे, पहला ही ऑप्शन रखा जाए x इज इक्वल टू 10 रख के देखा जाए, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ x है वहाँ पे 10 रखा जाए, तो आ जाएगा 10 की पावर में कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग 10 बेस 10 इसका मान लिया जाए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, और इसकी वैल्यू 1 होती है, 100 की पावर 2 इज इक्वल 10 की पावर 100, और ये 100 हो जाएगा और 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर 100, है ना, तो ये भाई वैल्यू x इज इक्वल टू 10 के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। अब x की जगह पे आपको 1 बाई 10 भी रख लेना है ना, तो x की जगह पे हम 1 बाई 10 रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे अगर हम 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई 10 रखेंगे तो हमको देगा क्या, ये आ जाएगा 1 बाई 10 की पावर में आ जाएगा 1 प्लस, देखिए 10 की पावर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 पहले आ जाएगा, तो हम इसे रखते हैं माइनस का 1 आ जाएगा, और ये वही भाई x की जगह पे 1 बाई 10 रखे हो, 10 की पावर माइनस 1 ऊपर ले लो, पावर नेगेटिव है बाहर आ जाएगी भाई, पावर पावर क्या है n log m की पावर n बराबर क्या होता है n log m, तो n बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वही बचने वाला है। अच्छा इज इक्वल टू 10 गुणे कितना 1/10, ठीक है, ये 1/10 हो जाएंगे, और इनकी पावर में देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, आपको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वैल्यू 1, ये भी सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि 46 का जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, एक बात तो समझ में आ रही है कि 12 का क्यूब लिखा गया है ऊपर। अच्छा तो एक काम ये करते हैं,
ये हो जाएगा हमारा log, ऊपर तो हमने लिख दिया इसको ये 12 का क्यूब है, नीचे 4 को 2 को अंदर ले जाओ, अंदर 2 का वर्ग होके जाएगा तो अंदर 12 हो जाएगा, अंडर रूट 12 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12। भाई 4 अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये होने वाला है हमारे पास log 12, 12 की पावर 3, और यहाँ बेस में क्या है हमारे पास 12 की पावर में 1/2। और एक बात आपको पता है कि जब भी अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए log m की पावर p और बेस में दिया जाए n की पावर q, तो इसे हम लिख सकते हैं p/q, मतलब ये पावर बाहर आ गई और ये पावर भी बाहर आ गई, log m बेस n। तो वही सेम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये 3 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कितना 1/2, और ये हो जाएगा log 12 और यहाँ पे भी बेस 12, है ना, ठीक है। 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, गुड़े 1 कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 47 में बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 48, क्वेश्चन नंबर 48, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, है ना। चलो 48 को निकाला जाए, किराए की log ये दिया गया है log x बेस 3 इक्वल टू a, ये इन्होंने गिवन है दिया है हमको log x बेस 3 इक्वल टू a। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, घातांकी रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर a इज इक्वल टू x, 3 की पावर a इक्वल टू x, ये मिल गया है हमको। और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है 81 की पावर a, इसे लिख देंगे 81 की पावर a इंटू 81 की पावर -1, गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, है ना, तो अलग कर लिया हमने। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और उसकी पावर में कितना है a, और इसको चुपचाप 81 को बट्टे में नीचे ले आइए, थोड़ा सा आप कन्वर्जन करिए, क्योंकि आपको 3 की पावर a दिया है और आपको पता है कि अगर ये पावर यहाँ रख दी जाए, ये पावर रख दी जाए, क्योंकि घात की घात पावर, आप पावर की कंडीशन में दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है और यहाँ भी 4a आएगा, और अगर हम इसको ये लिख दें 3 की पावर a की पावर 4, तब भी हमारी सेहत पे या प्रश्न की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 की पावर a की जगह पर हम x रख देंगे तो ये आ जाएगा x^4/81, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा था रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन दी गई है और इसके रूट्स हमको निकालने हैं, इसके मूल निकालने हैं, इसके मूल फाइंड करने हैं। देखते हैं भाई, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, वो इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है किस फॉर्मेट में, लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखी हुई है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखी हुई है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है भाई, log ये हो जाएगा हमारा a की पावर m बराबर b, तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 2, log b बेस a बाई m, ये होता है ना लॉगरिथम फॉर्म, आपने पढ़ा है ना, log b बेस a इज इक्वल टू अगर हमको m दिया जाए तो इसे हम लिखते हैं a की पावर m बराबर b, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो a की जगह पे कितना है 9 और m की जगह पे कितना है 2, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू b, b की जगह पे ये दिया गया है तो b इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, x² - 16x + 141, ये कितना हो जाएगा 81 जाके उधर अगर घट जाएंगे तो x² - 16x + बचेगा 81 घटा देंगे तो भाई 4 + 81 = 1 = 14 - 8 = 60 बचेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। इसके बाद कितना हो जाएगा x² + 10 = 60, 10x - 6x + 60 = 0, x लेंगे कॉमन तो ये x - 10 आ जाएगा, -6 लेंगे कॉमन तो x - 10 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, एक मिल जाएगा हमको x - 6, दूसरा मिल जाएगा x - 10 = 0, यानी कि x के 2 मान आ जाएंगे, एक आएगा 6 और एक आ जाएगा 10, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा 49 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। हमको दिया गया है कि log 2 base 10, log 2x - 1 base 10 और log 2x + 3 base 10, ये क्या है,
ये हमें दिए गए हैं समांतर श्रेणी में हैं, है ना। ये कह रहा है कि ये कॉन्जेक्टिव टर्म्स हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं, और आपको पता है कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, है ना, ए बी सी क्या होते हैं, जब ए पी में होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, 2b बराबर a प्लस सी लेके चलेंगे, देखते हैं। ओ तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 है हमारे पास, है ना, लॉग में इसका 2 की पावर x हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, इनको सबको प्लस में ले लीजिए, ये लॉग 2 हो गया बेस 10 हो जाएगा प्लस लॉग हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 3 अब बेस 10 हो जाएगा। अच्छा इसको पावर में उधर ले जाइए, ये पावर जो है उसके ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 10 और इधर हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए इसके बाद समझना कहानी को, ये हो गया इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, ये हमारा भाई दोनों अगर इंटू में है, बेस सेम होते हैं प्लस में है तो इंटू में आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। देखिए दोनों तरफ से लॉग लॉग हटा दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बच्चा क्या है यहाँ पे, ये बन गया 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि 2 की पावर x बराबर कितना है p, अगर हम इसकी जगह पे p को लेट करके रखते हैं तो हो क्या जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा, अब ये 2 हो गया हमारे पास, यानी कि p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2p इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x का मान हो जाएगा p, p प्लस हो जाएगा 3, कितना हो गया ये p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 6 हो जाएगा, 2p प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, सबको इधर लेके घटा दीजिए, यह आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा इससे p की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू हमको p इज इक्वल टू 5 मिल जाएगी और क्या मिलेगी, एक माइनस का 1 मिल जाएगी, है ना। तो 5 वाला ऑप्शन में आ रहा है तो हम p इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा p इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 दिया गया है, a की पावर m बराबर b से इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करवाया है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, है ना, और a ये हमें दिया गया है a, तो a को चुपचाप यहाँ चिपकाइए और यहाँ पे log 5 बेस 2 हो जाएगा, ये है ना log 5 बेस 2, तो कहाँ पे आ जाएगा भैया, b वाला ऑप्शन जो है 50 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, कह रहा था क्या इफ log m बेस n बेस 9 दिया गया है, देखिए यहाँ पे 9 बेस यहाँ भी, 9 बेस यहाँ भी है, बीच में प्लस है, दोनों इंटू में आ जाएंगे। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा log 9 और आ जाएगा m by 6 इक्वल टू आ जाएगा 1 by 2। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये है log, ये log b बेस a इक्वल टू m, तो क्या होता है a की पावर m, m मतलब 9, 9 की पावर में कितना 1 by 2 और बराबर में कितना हो जाएगा m by 6। अच्छा ये रूट 9 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 by 2 का मतलब रूट हो गया 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, m की वैल्यू कितनी आ गई 18 और m को m ही पूछा था, तो 51 का जो b है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा गया है कि log 5 दिया गया है, log 7 दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। देखिएगा सबसे अच्छा तरीका कह रहा है कि इक्वल टू 0 आना चाहिए, हमें x के संभावित मान ज्ञात करने हैं, हम क्या करेंगे x के संभावित मान मतलब x इज इक्वल टू एक बार 2 रख के देख लीजिए, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, 9 प्लस रूट x, भाई वर्गमूल निकलना चाहिए बाहर, ये 1 बन 7 बनना चाहिए, है ना, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जिससे क्या हो, ये हमारे पास ये 7 बन जाएगा पूरा, तो ये 1 बन जाएगा, log 7 बन जाएगा, या मान लीजिए 7 बन जाइए, 7 कैसे बनेगा ये, तो दूसरे ऑप्शन से भी नहीं गया, तीसरे से देखो 7 4 11 हो जाएगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, सी वाले से देखिए 7 3 10 हो जाएगा इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, डी वाले ऑप्शन को ट्राई किया जाए, है ना, पुट किया जाए जिसका वर्गमूल निकल आए, तो यहाँ पे हमने पुट किया क्या x इज इक्वल टू 9 रखते हैं यहाँ पे,
अगर ये सेटिस्फाइड कर जाएगा तो कोई बात नहीं, लॉग 5 हो गया हमारा और यहाँ पे बेस हमारा 7 है और ये रूट के अंदर आ जाएगा कितना 9, 9 प्लस 7 प्लस रूट आ जाएगा 9। अच्छा ये हो जाएगा लॉग 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लॉग 7 हो जाएगा। इधर देखिए 9 7 16, 16 से आया 4, ये 3 4 3 7, ठीक है। और ये लॉग 1 बन जाएगा बेस 5 और लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना, कितना आ जाएगा 0। मतलब x इक्वल टू जो 9 है इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, x इक्वल टू 9 अगर इसे सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही x की तरह x की जगह पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो x का संभावित मान क्या होगा, x इक्वल टू 9, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 52 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। कह कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan i थीटा इज इक्वल टू होता i tan हाइपरबोलिक थीटा, ये तो सही बिल्कुल लिखा हुआ है। इसके बाद cos i थीटा लिखा हुआ है तो ये cos हाइपरबोलिक थीटा होता है, ठीक है। अभी ये लिखा हुआ cot i थीटा, जो cot i थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा माइनस का i cot हाइपरबोलिक थीटा, ये होना चाहिए था। और ये साइन थीटा तो बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। तो हमसे पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है, 53 में जो सी वाला है वो क्या है, इनकरेक्ट है, वो गलत लिखा हुआ है ना। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, माइनस का आई, ये ना होके क्या होना चाहिए था, माइनस का आई कॉट हाइपरबोलिक थीटा, तो क्या सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, ये करेक्ट होता है। तो 53 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि tan a प्लस ib इक्वल टू, देखिएगा यहां पे ये दिया इन्होंने tan a प्लस ib इक्वल टू दिया गया है x प्लस iy। एक काम करते हैं, यहां से tan a माइनस b भी निकाल लिया जाए, a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कॉन्जुगेट हो जाएगी इसी की, ठीक है, tan a माइनस आई बी, ए माइनस आई बी तो निकाल लिया हमने, i को रिप्लेस कर दिया माइनस i से, ठीक है, तो कॉन्जुगेट मिल गई उसकी हमको। चलिए अब यहाँ से हमको ना tan 2a, देखिए cot 2a है और cot हाइपरबोलिक 2a है, मतलब कि यहाँ पे हमें देखिए cot 2a मतलब कि tan 2a बना लिया जाए, जुगाड़ करके tan 2a बन जाएगा, और इधर cos हाइपरबोलिक मतलब कि इधर लिया जाए tan i2b, है ना, i2b अपने आप कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम tan 2a पहले निकालते हैं, बाई ऑप्शन हम चल रहे हैं, cot 2a दिया हम tan 2a निकाल रहे हैं, tan 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं क्या, tan, इसे हम लिख सकते हैं tan में कितना a प्लस ib प्लस और a माइनस का ib, ठीक है। अब देखिए tan a प्लस tan b हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, tan a प्लस tan b यानी कि x प्लस आई वाई और ये x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर माइनस का कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा एक मिनट, तो देखिएगा थोड़ा सा चल नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आती है, एक मिनट, ठीक है चलेगा। अब देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, y से y काट दिया जाए, काट दिया हमने, देखिए इधर 2x हो जाएगा और हम चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर किधर रखा जाए, tan 2a को इसके बट्टे में ले आया जाए, तो ये कितना हो जाएगा tan 2a, 2x बट्टे tan 2a, तो ये हो जाएगा 2x cot 2a बन जाएगा, 2x cot 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया, ठीक है, हम x cos 2a निकाल लिए हैं। अच्छा अब क्या चाहिए हमको, दूसरा अब चाहिए यहां से हमको tan tan i 2b यानी कि 2ib इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार इन्हीं दोनों को घटा देते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा tan a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा tan में क्या, tan के अंदर एंगल में बना लिया जाए, हमें 2ib चाहिए, तो ये दिया इसने a प्लस ib और माइनस का आ जाएगा कितना a
माइनस आई बी चलेगा। अब ये हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे देखिए मैं कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए और ये टू बी है, हाँ ठीक है करेक्ट है एकदम बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, तो ये ए एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना, वन प्लस होता है यहाँ पे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये प्लस में आ जाएगा। अच्छा यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको पता है कि टैन आई बीटा, तो आपको पता है कि टैन आई थीटा बराबर अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, आई टैन हाइपरबोलिक टू बी हो जाएगा। ये देखिए टू आई, आई से आई काट देंगे, आई से आई काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू वाई, टू ये आएगा टू आई वाई बटे वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टैन टू ए को इसके बटे में ले आएंगे, आई से आई कट जाएगा तो ये आ जाएगा वाई कॉट, कितना आ जाएगा ये वाई, वो भी क्या टू टू दो दो हो जाएंगे ना आई वाई, ठीक है ये आ जाएगा टू कॉट हाइपरबोलिक टू बी इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन टू हो जाएगी। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को दोनों को ऐड कर देना है ना, दोनों को ऐड कर देना है तो ये कितना आ जाएगा, वेरी गुड इवनिंग रिंकू कुशवाहा जी, चलेगा दोनों को ऐड करेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो दोनों इक्वेशंस को जब ऐड किया जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स कॉट टू ए प्लस हो जाएगा टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बी और वाई स्क्वायर कट जाएंगे, इधर हमारा टू हो जाएगा, टू लेंगे कॉमन, एक्स कॉट टू ए प्लस y cot हो जाएगा हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू वन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 54 में जो a वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 54 का a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा अगर हम रूट i को थोड़ा सा देखें, रूट आई वैसे तो आपको याद हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो देखिए रूट आई को हम लिख सकते हैं 2i, हम रूट आई को लेके चल रहे हैं, सिर्फ रूट आई को लेके चल रहे हैं, रूट आई का पहले निकाल रहे हैं, उसी के आधार पे आपको माइनस का i बता देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2i बाई 2, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करिए भाई, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो एक हमने जोड़ दिया और एक क्या किया घटा दिया, ठीक है घटा दिया, प्लस का लिख दिया 2i, अब y में कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अच्छा ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 को नीचे से निकाल लिया जाए और यहाँ हम लिखेंगे इसको क्या 1 प्लस i स्क्वायर, भाई i स्क्वायर का मान माइनस 1 होता तो i स्क्वायर लिख दीजिए उसे, प्लस 2i लिख दीजिए इसको, है ना। तो अब ये बना क्या, अब ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा i प्लस 1 प्लस i, है ना, 1 प्लस i का होल स्क्वायर या i प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दीजिए इसको, है ना, चलेगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अंदर है, वर्गमूल से बाहर आएगा 1 प्लस आई आएगा और 1 अपॉन रूट 2 आएगा। मतलब कहने का ये, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है रूट आई प्लस रूट माइनस आई, तो ये निकल के आ जाएगी कितना 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई रूट 2, बीच में प्लस है और ये कितना आ जाएगा, ये बस 1 माइनस आई बन जाएगा, तो ये 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, आई से आई कट जाएगा, 2 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, 55 में जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 55 का बी करेक्ट हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल सही सर, अरुण सर शानदार, है ना, चलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन प्लस वाली होती है तो हमारी ओमेगा और माइनस के ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं और अगर यहाँ माइनस लगा होता है तो अल्फा के दो मान होते हैं हमारे पास, एक क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम माइनस का ओमेगा लेके चल रहे हैं, दोनों अल्फा के मान हैं, दोनों मान्य होंगे, दोनों वैलिड होंगे, है ना, चलिएगा। तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अल्फा की पावर में कितना 2011, ठीक है। तो ये अल्फा की जगह पे हम ओमेगा रखेंगे तो माइनस के ओमेगा की पावर आ जाएगा 2011, इट मीन्स ये तो माइनस दे देगा क्योंकि पावर में विषम संख्या है,
तो ओमेगा की पावर में आ जाएगा 2011, 3 से इसको भाग दीजिए माइनस ओमेगा की पावर में तिछंग 18 हो जाएगा, 2 21, 3 सत 21, 1 बच जाएगा हमारे पास, है ना, ओमेगा बस बच जाएगा। माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा किसके बराबर है देखिएगा, माइनस का ओमेगा जो है वो अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है अल्फा के, अल्फा में आंसर दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, 56 में डी चलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी। 57 में हमसे कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात करना है 57 देखिएगा, जिसके लिए कह रहा है कि ये एक क्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, है ना, प्योर इमेजनरी है, कौन ये हमारी मान लीजिए नंबर है हमारी, ये जेड इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 3i। अब देखिए कभी भी हमें अगर शुद्ध काल्पनिक या शुद्ध वास्तविक के लिए बात करेगा, है ना, वो प्योर इमेजनरी या प्योर रियल की बात करेगा, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, है ना, दोनों पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो भाई ये 1 + 3i ये साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 - 2i साइन थीटा, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो ये जो रियल पार्ट यहाँ पे रखी हुई इमेजनरी पार्ट जो है इसको हटाना, या हटाना है तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2i हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 + 2i साइन थीटा हो जाएगा। चलिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 का, तो आ जाएगा 1 + 4i साइन थीटा, फिर 3 साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +3i, तो ये 3, 2 का किया हमने तो 4 आया, अब क्या किया हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो 3i साइन थीटा हो जाएंगे, ये 3i साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये 3 × 2 = 6, वो भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6 sin² θ, माइनस के क्यों हो जाएंगे, क्योंकि भाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, डिवाइड में हमारे पास हर आएगा, हर से हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं अभी हम बताते हैं, हर को चुपचाप लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। अब देखिए हमको पता है कि अगर शुद्ध काल्पनिक है तो इसका जो रियल पार्ट होगा, अगर ये शुद्ध काल्पनिक है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना, संख्या का रियल पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल, तो रियल पार्ट इसमें देख लेते हैं कौन सा है, तो रियल पार्ट जिसके साथ आई नहीं है, तो आई किसके साथ नहीं, 1 - 6 है, ये 1 क्यों ये 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 - 6 sin² θ डिवाइडेड बाई हो जाएगा, जो हर है हर इसका भी रहेगा भाई, इक्वल टू 0 हो जाएगा, हर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 2 - 6 sin² θ इक्वल टू 0, यानी कि यहां से आप निकालेंगे तो भाई 1/3 आ जाएगा, यानी कि sin² θ बराबर कितना आ जाएगा 1/3, और ये थीटा बराबर कितना दे देगा आपको sin inverse 1/√3, sin inverse 1/√3, तो 57 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 का जो सी ऑप्शन होगा 57 का वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, sin inverse 1/√3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, 57 का सी सही होगा, शानदार अरुण सर। चलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इफ आई इक्वल टू, हमारे पास वही दिया गया है कि √-1 है, मतलब कि आयोटा के बारे में बताया गया है, अच्छा, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 + 5, ये सामने लिखा हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए आप पाएंगे तो आप ओमेगा के बारे में जानते होंगे, ओमेगा क्या होता है, -1/2 प्लस होता है √3/2, और जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है -1/2 - √3/2, ये दोनों चीज़ें होती हैं, आते हैं यहाँ पे, और ये ओमेगा की वैल्यू दी गई है दोनों जगहों पे, तो ये हो गया हमारा 4 + ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की पावर में कितना हो जाएगा 334 प्लस ये 3 हो जाएगा, ओमेगा की पावर में कितनी है 365 दिया गया है, ठीक है, निपटाते हैं इसको प्लस, भाई इसको 3 से भाग देंगे, जब हम 3 से भाग देंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 3 से जितना कट जाए उसे हटा दो, बाकी जो रिमाइंडर बचे उसे लिखा करिए, तो भाई 3 से ये चेक 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, एक रिमाइंडर बचेगा ओमेगा, हम उसे लिख लेंगे, यहाँ पे भी आ जाते हैं, यह आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा ओमेगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 3, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बच गया, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इसको तोड़ लिया जाए, +2 एक तो कर लिया जाए 3 ओमेगा और +3 ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ ही रख दिया जाए, 2 ओमेगा को अलग कर लिया जाए, 5 ओमेगा से हमने ये चीज़ें अलग की है,
अच्छा आपको पता है कि ये चार है प्लस ये हो जाएगा तीन, दिख रहा है ना, चलेगा। ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस का वन रख देंगे, और ये प्लस का कितना हो जाएगा टू ओमेगा। अब देखिए ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा चार माइनस तीन प्लस टू ओमेगा। आते हैं इधर देख लेते हैं इसको, तो कितना बचा हमारे पास, वन बचा प्लस टू ओमेगा की वैल्यू रख दी जाए, माइनस का वन बाई टू। देखिए ये हमारे ये चार में तीन का एक बचा, माइनस का वन बाई टू, माइनस का आ जाएगा आई रूट थ्री बाई टू, टू का कर दीजिए मल्टीप्लाई तो वन आ जाएगा, वन माइनस का वन हो जाएगा, और ये प्लस का आ जाएगा कितना आई रूट थ्री, ठीक है टू तो कट गया ना, टू से टू कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा आई रूट थ्री, है ना। तो अट्ठावन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अट्ठावन में 58 में जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, चलेगा। कौन सा ऑप्शन सी, 58 का सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे अरुण सर का और माँ और मिला एकेडमी, शानदार सर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 में हमसे कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर देन द वैल्यू देन फॉर एनी एक्स वाई जेड, ये वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा वो कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, आर क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, अगर ये नेगेटिव रियल नंबर के हैं तो भाई हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन होगा, बीटा इज इक्वल टू जो होगा क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, हम माइनस वन ले लेते हैं उसके बराबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये माइनस का ओमेगा हो जाएगा, और ये गामा इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, और एक बात हमें याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है वन बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन बाई ओमेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम रखेंगे, ये मिला कहाँ से है, ओमेगा क्यूब बराबर वन से, है ना, चलिएगा ये याद रखेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एक्स, अल्फा की जगह पे माइनस वन रख दीजिए तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह पे माइनस का ओमेगा रखना है तो ये माइनस का ओमेगा वाई हो जाएगा, प्लस और गामा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखना है तो ये माइनस का हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर जेड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आइए बीटा एक्स के साथ हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का ओमेगा हो जाएगा, और ये गामा गामा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, और अल्फा की जगह पे माइनस ये माइनस का जेड हो जाएगा। हम एक काम करते हैं ऊपर नीचे से माइनस लेते हैं कॉमन और हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड। अब देखिएगा हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे x है ना और यहाँ पे x है, अच्छा जेड के पास आओ, वहाँ पे जेड देखो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है जेड, ऊपर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया जाए, हमने ऊपर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे लिखा हुआ है हमारे पास वही सब x ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड, ऊपर देखिए हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, जहां नहीं कॉमन होगा वहां भाग हो जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा x बटे ओमेगा स्क्वायर, x बटे ओमेगा स्क्वायर एक बटे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा साहब x ओमेगा। अच्छा यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया भाई, एक ओमेगा तो दे देगा चुपचाप, एक नहीं बचेगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो वाई बटे ओमेगा एक बटे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो ये कितना हो गया भैया ओमेगा स्क्वायर वाई, और ओमेगा स्क्वायर यहां से बाहर जा ही चुका है, प्लस का जेड बचा। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट में आपको सेम सेम नंबर दिख रही, काट दिया जाए बचा क्या हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो 59 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 का। शानदार जवाब आया यहां पे अरुण सर का, बहुत बढ़िया शानदार सर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमको दिया गया और कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स प्लेन देन दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ, है ना, क्या होगा भाई ये किसके वर्टाइसेस होंगे, किसके शीर्ष होंगे अगर इकाई के घनमूलों को किसी आर्गंड प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि सम्मिश्र तल में निरूपित किया जाए तो वो किसके शीर्ष होंगे, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो आप अगर 60 के साथ जाएंगे तो आपको सीधी सी बात हम बता देते हैं, मान लीजिए कि सम्मिश्र तल में ये आप रख लीजिएगा, तीनों पॉइंट को रख लीजिएगा सम्मिश्र तल में हमने रखा,
और ये हमारा क्या होता है भाई, एक वन होता है ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। वन तो ऑलरेडी रियल नंबर है, तो इसका जो पॉइंट बन जाएगा हमारा सम्मिश्र तल में क्या होगा, हमें चाहिए यहाँ पे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट वन हो जाएगा, वन कॉमा जीरो, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू और माइनस का वन बाई टू, और ये हो जाएगी रूट थ्री बाई टू। अगला वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस का वन बाई टू और ये हो जाएगा माइनस का रूट थ्री बाई टू। ये होते हैं सारे पॉइंट्स। तो हम अगर इन भुजाओं को निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं। तो ये भुजा भी अंडर रूट तीन आती है, ये भुजा भी अंडर रूट तीन आती है, और ये अंडर रूट तीन आती है। तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स मिला के ऐसा एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं किसी की बराबर होती है उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो 60 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया अरुण सर ने। ब्रजकिशोर यादव सर बहुत बढ़िया सर, रिंकू कुशवाहा सर बहुत बढ़िया, अरुण सर बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 में हमसे पूछा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है आपके सामने है, कह रहा है कि 1 प्लस आई रूट 3 की पावर एक्स, एक बेहतरीन इक्वेशन है ये, समझिएगा। देखिए ये यहां पे दिया है इन्होंने 1 प्लस आई रूट 3 की पावर में एक्स, और देखिए माइनस में दिया गया है 2 की पावर एक्स, तो माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये 2 की पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये 2 की पावर है, ये एक्स है ना, ये एक्स है एक्स। अच्छा इधर ले आए, इसके बटे में ले आओ, उसकी भी पावर पावर दोनों की सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और इसकी पावर में कितना एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब ये किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा माइनस का 1 बाई 2 माइनस का आई रूट 3 बाई 2, ये पढ़ा है आपने। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, दो बातें हो गई, एक तो हो गया माइनस के एक 1 की पावर में एक्स हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर में, ओमेगा स्क्वायर की पावर में एक्स हो जाएगा। अच्छा अब देखिए दो केस पे इसकी जो वैल्यू, दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू आना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए। अच्छा तो बताइए अगर हमें माइनस 1 को जो बनाना है, माइनस 1 को अगर हमें 1 बनाना है, मतलब कि प्लस का 1 बनाना है, तो एक्स की जगह पे कोई सम संख्या होनी चाहिए, मतलब जो एक्स होना चाहिए वो हमारा 2r के फॉर्मेट में होना चाहिए, r जहां पे क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा अगर इसके पास आओ, अगर इसको भाई ये 1 इंटू 1 तभी 1 आएगा, तो हम ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर की पावर एक्स को एक्स की जगह पे क्या रखें भाई, 3 का कोई फैक्टर रख दें तभी ऐसा हो पाएगा, है ना, तभी तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 बन जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3r के रूप का होना चाहिए, है ना। अब ऐसा तभी बनेगा दोनों का भाई, अगर कंबाइंड लेना है तो हमको क्या लेना होगा, एक्स इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना, 6r कितना हो जाएगा 6r, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन दोनों का बनाना है, ये 2r है ये 3r है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे और वो एलसीएम जो होगा वो उसे सेटिस्फाइड करेगा, तो 6r हो जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू इंटीजर्स है, रखना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हम 1 से रखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो x के मान कितने हो जाएंगे, एक तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा। तो ये इसके जो मूल मिलेंगे, समीकरण के जो मूल होंगे 6 12 18, 6 का सब में अंतर आएगा, वो किस में होंगे साहब, एपी में होंगे, किस में होंगे, एपी में होंगे, है ना, एपी में होंगे सर। 61 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 61 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 61 में बी नहीं सर, ए आएगा, एपी आएगा, देखिएगा 6 12 और 18 आ रहे हैं ना, तो एपी आएगा ना। ठीक है आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हमको Z1 Z2 और क्या कह रहा है, दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं दी गई, दो कॉन्जुगेट, एक मिनट और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। अब देखिए कह रहा है कि Z1 और Z2 दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं, देखिए हमको क्या करना है, इनका अपने सेलेक्ट करना है।
अपने से मान लेना और ऐसा मान लेना है कि जिससे बहुत आसानी के साथ मामला हल हो जाए। जेड वन जेड टू दोनों संयुग्मी हैं, अगर बताइए जेड वन इज इक्वल टू आई ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो जेड टू इसकी संयुग्मी है तो वो माइनस का आई हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हम ले लेते हैं जेड थ्री, ये भी दोनों कॉन्जुगेट हैं तो हम इसको ले लेते हैं वन प्लस आई। ठीक है, हमने इसको वन प्लस आई ले लिया, और साथ में जेड फोर भी ले लीजिए चूँकि इसी की कॉन्जुगेट है तो ये हो जाएगी वन माइनस का आई। ठीक है, हमने ले लिया। अब इनके सबके आर्गूमेंट निकाल लिए जाए पहले, ठीक, ऑप्शन सेटिस्फाइड फिर करवा लिया जाएगा। अच्छा, आर्गूमेंट आप जेड वन, आपको पता है जो जेड वन का आर्गूमेंट हो जाएगा चूंकि आई है तो कितना हो जाएगा पाई बाई टू, और इसके बाद आर्गूमेंट ऑफ जेड टू ये माइनस का पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और जेड थ्री के पास चले जाएं तो आर्गूमेंट ऑफ जो जेड थ्री होगा वो कितना हो जाएगा वाई बाई पाई बाई फोर आ जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा, और आर्गूमेंट ऑफ क्या जेड फोर वो हो जाएगा हमारा माइनस का पाई बाई फोर। ये सब मिल गए हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आर्गूमेंट ऑफ जेड थ्री जेड टू। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर बटे में दी होती है तो क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड थ्री माइनस का हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ जेड टू। तो जेड थ्री कहाँ पे है, जेड थ्री दिया गया है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस जेड टू कहाँ पे है, जेड टू ये दिया गया माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये पाई बाई टू हो जाएगा, और आपको पता है ये बन जाएगा हमारा थ्री पाई बाई फोर, है ना। अच्छा, अब वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमको आंसर दे देगा थ्री पाई बाई फोर, है ना। तो चलिएगा एक बार, अब देखिए अगला वाला क्या हो जाएगा भाई, वही जेड वन अपान जेड थ्री, तो जेड वन मतलब पाई बाई टू दिया है, पाई बाई टू, और पाई बाई टू में घटा दीजिए पाई बाई फोर, तो पहला वाले ऑप्शन से तो तीन पाई बाई फोर नहीं आएगा, दूसरे वाले के पास चला जाए, है ना, चलेगा। दूसरे वाले के पास जाएंगे, दूसरे वाले के पास जाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, जेड वन अपान जेड फोर, जेड वन कहाँ पे है पाई बाई टू और माइनस पाई बाई फोर, ये एकदम सेम बन रहा है ना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन देगा हमको दोनों वैल्यू रखने पे वो हमको दे देगा थ्री पाई बाई फोर, है ना। अच्छा, ये वाला आएगा, इसका देखिए जेड टू, अब जेड फोर, जेड टू कहाँ पे है, ये दिया है हमको माइनस का पाई बाई टू, और जेड फोर प्लस का हो जाएगा पाई बाई फोर, यानी कि ये हमको मिल जाएगा माइनस का पाई बाई फोर, और यहाँ से जो आएगा जेड, ये तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पाई बाई फोर हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास दिया गया है, ये माइनस लग जाएगा, बस यही तो है ऊपर वाला, ये है ना, बस पलटा हुआ है, तो माइनस का थ्री पाई बाई फोर, हमको प्लस का थ्री पाई बाई फोर चाहिए, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना, चलेगा। अरुण सर कह रहे हैं कि 61 का बी क्या कह रहे हैं, अरुण सर समझ नहीं पाया मैं, 61 के बारे में कुछ कह रहे हैं आप, ठीक है चलिएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया 62 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63, ये तो अंजना ओम कश्यप वाला हो गया। यहाँ पे 63 में हमसे कहा गया है कि 1 प्लस आई ऐसे करके दिया गया है, इसका हमें आर्ग्यूमेंट ही निकालना है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट तीन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट तीन प्लस आई अंडर रूट तीन माइनस का वन प्लस का आई, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना, टू रूट टू। अच्छा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट तीन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू हो जाएगा, प्लस आई को अलग कर लीजिए और ये हो जाएगा, आई वालों के साथ आ जाओ, अंडर रूट तीन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट अगर हमको निकालना है इसका तो कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू ये आ जाएगा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो अंडर रूट तीन प्लस वन, टू अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, बस इतने रहने दिया जाए, माइनस का वन बाई टू। अच्छा, ये वैल्यू बन रही किसकी, एक तो ये हो गया हमारे पास टैन इनवर्स, ये वैल्यू बन रही किसकी, कॉट पंद्रह की, किसकी बन रही है, कॉट पंद्रह, है ना, कॉट पंद्रह। अच्छा, कॉट को कन्वर्ट कर लिया जाए, टैन में बना लिया जाए, तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स में टैन पिचहत्तर, ख़त्म कर दीजिए, पिचहत्तर का मतलब हो गया पाई बाई, ये हो जाएगा 180 से भाग दे दीजिए, 15 पचे पचहत्तर, 15 का नम 15, 15 दुनी 30,
ये आ जाएगा 5π/12 है ना। तो 63 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 में जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा है ना। 63 में सी बिल्कुल डॉक्टर अंजू राय मैडम शानदार है ना। 63 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखा जाए 64 बिल्कुल सही ब्रजकिशोर सर अरुण सर शानदार। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे हमको निकालना है क्या रहेगा सिस्टम, दो इक्वेशंस दी गई हैं और इनका हमें सोल्यूशन निकालना है कि क्या आएगा ठीक है। अच्छा टू सोल्यूशंस देखते हैं भाई, दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एक तो हमें Z1=1 दिया है, जेड मॉडुलस जेड बराबर कितना दिया है 1 है ना। इसका एक सर्कल बनेगा हमारे पास जो क्या हो जाएगा x²+y² = 1 देगा, अगर जेड की जगह पे आप रख देंगे x+iy तो ये दे देगा। अच्छा इसका सेंटर कितना हो जाएगा, जो इसका केंद्र हो जाएगा 0,0 हो जाएगा और रेडियस जो हो जाएगी इसकी वो 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं इसके पास, देखिएगा जेड की जगह पे हम रखेंगे कितना, जेड की जगह मॉडुलस हो जाएगा x+2 को अलग कर लो और प्लस के आई वाई हो जाएंगे ये और माइनस का 2i हो जाएगा इक्वल टू कितना है 4। कैलकुलेट किया जाए, वर्ग भी लगा देंगे दोनों तरफ क्योंकि भाई रूट लगेगा मॉड जब इसका निकालेंगे, तो मॉड निकालेंगे तो x+2² हो जाएगा प्लस और ये y-2² हो जाएगा और वर्गमूल हटाने के लिए जब वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x² + 4 प्लस का हो जाएगा 4x है ना, प्लस का कितना हो जाएगा ये 4x। तो ये x² हो गया प्लस का 4 हो गया प्लस का 4x हो गया प्लस ये हो जाएगा y² प्लस का हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा कितना 4y = हो जाएगा 16। देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा x² और देखिए 4x है और ये 4y ठीक है, प्लस का y² हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा और देखिए 4 4 8 हो जाएंगे और इधर आके 16 में घटेगा, इधर माइनस का 16 होगा तो 8 घट जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा = 0 हो जाएगा। अच्छा इसका अगर आप केंद्र निकालेंगे C1 C2 निकालेंगे, इसका केंद्र अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2,2 और रेडियस निकाल लिया जाए, रेडियस बराबर आ जाएगा √g²f² तो ये हो जाएगा 4+4 और माइनस माइनस देखिए जहाँ माइनस सी होता है और माइनस का 8 दिया तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए C1 C2 तो C1 C2 बराबर आ जाएगा हमारे पास, C1 C2 दोनों के बीच की दूरी निकालिए √ कितना हो जाएगा, ये तो भाई बस सीधी सीधी बात है यही दोनों बचेंगे क्योंकि ये तो 0 0 हैं तो कितना हो जाएगा 4+4 ये आ जाएगा √8 ठीक है। दोनों त्रिज्याओं का अंतर निकाल लिया जाए R2- का वो बड़ा त्रिज्या है छोटी वाली इसमें घटा लिया जाए तो कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो C1 C2 है मतलब कि 2√3 है ना, वो क्या है छोटा है त्रिज्याओं के अंतर से है ना, त्रिज्याओं के अंतर से C1 C2 क्या है छोटा है, इसका मतलब क्या है ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये एक वृत्त हो गया अगला वृत्त ये हो गया तो दोनों जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। केंद्रों के बीच की दूरी क्या है कम है त्रिज्याओं के अंतर के, इसका मतलब क्या है ये इस वाली कंडीशन में है यानी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है और जब तक ये काटेंगे नहीं तब तक इनका सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसके क्या होंगे नो सोल्यूशन होंगे यानी कि 64 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 64 का सही हो जाएगा है ना, 64 का सर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 एक अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि ट्राइंगल ABC में कह रहा है कि इसके जो कोण हैं वो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा ये हमको बताना है ना। चलिएगा सिंपल सी बात है छोटी सी बात है देखिएगा अगर इस त्रिभुज के इस त्रिभुज के जिसकी बात हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मान लीजिए त्रिभुज ABC के कोण हैं और ये क्या है e^iA e^iB और e^iC समांतर श्रेणी में, तो आपको पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो इसका मतलब ये है कि 2e^iB = हो जाएगा कितना
e की पावर में आई ए प्लस e की पावर में आई सी, ये होता है ना। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो आ जाएगा ये 2 cos b प्लस आई 2 sin b। इसके साथ आ जाइए, इसको भी लिखेंगे हम cos a प्लस आई sin b, तो cos a को तो आप एक साथ रख दीजिए और cos c को भी यहीं ले आइए, ठीक है। अब इसके साथ क्या आई sin a बचा, तो ये प्लस का आ गया हमारे पास आई sin a और प्लस sin c। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की दोनों साइड क्या करिए, कंपैरिजन कर दीजिए, दोनों साइड तुलना कर दीजिए। तुलना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 cos b इक्वल टू आ जाएगा कितना, cos a प्लस cos c, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू में cos a प्लस c बटे दो, cos a प्लस c हो गया, और ये हो जाएगा cos में a माइनस c बटा दो, ठीक है। अच्छा, ये 2 हो गया cos b के बराबर, ठीक, इसे छोड़ दिया जाए। अब इधर आता है, रियल पार्ट को उठा लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को उठा लीजिए, ये आ जाएगा 2 sin b इक्वल टू किसके, sin a प्लस sin c प्लस sin c, तो ये आ जाएगा 2 sin b इक्वल टू कितना, 2 sin a प्लस c बटे दो और इंटू cos a माइनस c बटे दो। इसे इक्वेशन 2 बना दीजिए, इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, भाग दे देते हैं। देखिए भाग देंगे तो भाई इधर बन जाएगा cot b, cot b, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cot a प्लस c बटा 2, है ना, और ये आ जाएगा cot 90 माइनस बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस बी बाई 2 के बराबर हो जाएगा cot b बराबर, दोनों तरफ से cot cot हटा दीजिए तो b बराबर आ जाएगा कितना, 90 माइनस का b बाई 2, और यहाँ से मिल जाएगा हमको b, ये आ जाएगा 3b बटे 2 बराबर 90, और काट देंगे तो 30 दूनी कितना मिल जाएगा, 60, इसको काट दीजिए 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि b जो है वो 60 मिल गया, b कितना मिल गया 60। अब अगर हमको b 60 मिल गया तो यहीं पे आ जाओ, b इक्वल टू कितना मिल गया 60, दिख रहा है ना, अभी एक बार मैं ऊपर करता हूँ उसको, और है ना, b इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। देखिए यहाँ 60 रख दीजिए, अगर हम यहाँ पे b की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान 2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू। अब देखिएगा इधर, ये cos a प्लस c बटे 2 है, a प्लस c बटे का 2 का मतलब क्या हो गया, 90 माइनस b बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, तो 90 माइनस बी बाई 2, बी का मान आ गया 60, यानी कि 90 माइनस 30 60, यानी कि इधर भी आ गया हमारा कितना cos 60, cos 60, और ये कितना हो गया cos a माइनस सी बटे 2। अब देखिएगा 1 बटा 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और cos 60 की जो वैल्यू आएगी 1 बटे 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा 1, है ना, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा cos में a माइनस सी बटे 2, और ये cos 0 की वैल्यू होती है, यानी कि a माइनस सी बाई 2 बराबर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया a बराबर c, a बराबर क्या हो गया c, a और c बराबर है, b हो गया 60, तो क्या हो गया भैया a और b और c सभी क्या हो जाएंगे 60 60 60 डिग्री के हो जाएंगे, सभी 60 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो 65 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, c वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 65 का c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, याद रहे तो बहुत बढ़िया है, पूछा जा सकता है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं। अब देखिएगा, इसने दिया है, ये दिया है, अगर हम इसको e की पावर में बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें साइन बनाना होगा, मतलब कि साइन के साथ आई लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस की आई कॉमन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया माइनस की आई का कॉमन, ठीक है, ले लिया समेशन के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 से लेना है 6 तक, तो ये तो हमारा बन जाएगा कितना, कॉस में 2 पाई के बाई 7 प्लस आएगा, देखिए वैसे माइनस आएगा यहाँ पे, चूंकि 1 बाई आई हो जाएगा, तो आई की जगह पे जब आप रखोगे तो ये प्लस का आ जाएगा कितना आई, अरे मतलब इसमें जब हम माइनस लेंगे तो माइनस के 1 अपान आई,
माइनस के ये डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता है कि ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा नीचे आई स्क्वायर और ये उसको वन बना देगा, यानी कि सिर्फ आई बचेगा, ये साइन ये टू पाई के बाई सेवन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये माइनस का आई हो गया और ये समेशन हो गया हमारा, समेशन हो गया, समेशन कहाँ से, k इज इक्वल टू वन से लेके सिक्स तक, और इसे लिख सकते हैं e की पावर में, है ना, कितना e की पावर में हो जाएगा हमारा टू पाई k बाई सेवन आई, ये लिखा जाएगा, ये है ना। अच्छा, अब देखिएगा एक से लेके हम कहाँ तक रखेंगे, छः तक रखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, ये माइनस का आई तो चुपचाप रहेगा, ये बन जाएगा e की पावर, k का मान वन रख दिया जाए, के का मान वन रखेंगे तो टू पाई आई इंटू वन बाई सेवन हो जाएगा। अच्छा, के का मान जब आप टू रखेंगे तो यह आ जाएगा टू पाई आई इंटू टू बाई सेवन हो जाएगा, और ये कहाँ तक रखना है हमको, ई की पावर में टू पाई आई के की जगह पे रखना है सिक्स बटे सेवन, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक जी पी बन रही है ना, जी पी बन रही है, और जी पी के छः पदों का योगफल हमको निकालना है, तो माइनस का आई से रहने दीजिए, ए ए कितना है, e की पावर में हमारा वही टू पाई आई बाई सेवन इंटू, इसके अंदर आ जाए वन माइनस, कितना होता है r की पावर n, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, छः पद हैं तो छः दूनी बारह हो जाएगा, ये तो e की पावर हो जाएगा बारह पाई i बटा सात वन माइनस r, तो ये आ जाएगा वन माइनस e की पावर में टू पाई i बाई सेवन, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आई को चुपचाप रहने दिया जाए, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई की पावर में, ई की पावर में रहेगा टू पाई आई बटे सात, और ये हो जाएगा माइनस, अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाए, भाई इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, बारह और दो हो जाएंगे चौदह, तो चौदह पाई आई बटे सात, यानी कि अब क्या हो गया, सात से काट देंगे, सात दूनी चौदह, e की पावर आ गई टू पाई, e की पावर टू पाई आई डिवाइडेड बाई, नीचे कितना हो गया वन माइनस e की पावर में टू पाई आई बटे में सात। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद माइनस, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आई, देखिए ये माइनस का हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो टू पाई e की पावर टू पाई आई है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी वन, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि वन माइनस e की पावर में टू पाई आई बटे सात, और डिवाइडेड बाई ये भी आ जाएगा वन माइनस e की पावर टू पाई आई बटे सात, दोनों सेम सेम होंगे, काट दिया जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास i, है ना, क्या बचेगा, i बचेगा यहाँ पे। ठीक है, i, तो i कौन सा ऑप्शन, सी, सी छाछठ में जो c वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छाछठ का c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जवाब आ नहीं रहे आपके, आगे बढ़ेंगे, हाँ हाँ, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 66 में, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 67 कह रहा है कि फॉर रियल एक्स द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स एंड कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट हैं, इसका मतलब क्या, अगर हम इसकी कॉन्जुगेट ले लें, किसकी, ये हो गई साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, अगर हम इसकी कॉन्जुगेट ले लें तो वो कह रहा है बराबर है किसके, कॉन्जुगेट दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसकी कॉन्जुगेट लिखा जाए, इसकी कॉन्जुगेट कितनी आ जाएगी, साइन एक्स जहाँ पे आई है वहाँ माइनस आई रख दीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का आई साइन एक्स, वो तो चुपचाप है उसमें कुछ किया नहीं जा रहा, बोथ साइड क्या करिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों पक्षों में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपैरिजन कर लीजिए, तो रियल पार्ट की जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स बराबर में कॉस एक्स, यानी कि टैन एक्स बराबर वन। अच्छा, तो x बराबर मिल जाएगा हमको tan x बराबर 1, यानी कि tan हो गया पाई बाई 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा व्यापक मान n पाई प्लस पाई बाई
फोर। अच्छा, इसके साथ आते हैं दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ भी हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, माइनस का कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साइन एक्स के, और यहाँ से भी हमको सेम मिल रहा है तो यहाँ से भी जो एक्स का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, एन पाई प्लस पाई बाई फोर, है ना। और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा रामचरण सर, उसमें ना आई सही होगा ना, माइनस आई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़सठ में जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अड़सठ, 68 कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर रियल नंबर्स देन, कह रहा है कि ये रियल है ये हमको बताना है। चलिए, कितना ए प्लस आई बी, सड़सठ में सर कह रहे हैं कि सड़सठ में डी सही होगा, सड़सठ में डी, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा हमने बताया। हाँ ठीक है सर, डी सही होगा। 68 देखेंगे, ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा सी प्लस आई डी, वही कह रहा है कि ये सभी रियल नंबर है, देन इज रियल। अब देखिए, जब भी कभी रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात होगी तो हमें सीधी सी बात ये है कि क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है ना। ये संख्या वास्तविक होगी मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो ले लेना है, तो करिए भाई मल्टीप्लाई, सी माइनस का आई डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सी प्लस आई डी, और सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, माइनस आई डी, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, सिंपली ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, कितना आ जाएगा ए सी माइनस आई ए डी, ठीक है। बी का मल्टीप्लाई करिए, आई बी का मल्टीप्लाई किया जाए प्लस आई बी सी, और ये आई स्क्वायर का मान वन हो जाएगा, यानी कि प्लस का बी डी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा कितना सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये हमारी सम्मिश्र संख्या क्या है, वास्तविक है ना, वास्तविक का मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो होना चाहिए, है ना। आप बता देंगे कि अगर ये हमारी वास्तविक है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, क्या फॉर रियल। अगर हम इसको क्या मान रहे हैं, रियल मान रहे हैं, तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो होगा। तो इमेजिनरी पार्ट इसका ले लिया जाए, कितना है भाई, एक तो बी सी है और माइनस का ए डी है, वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। यानी कि बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए डी होना चाहिए, बी सी बराबर ए डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 में जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे संजय सर का, अरुण कुमार सर बिल्कुल सही, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 68 में। आगे बढ़ेंगे, 69 में हमसे कह रहा है कि द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है, है ना। चलेगा, देखिए आर्गुमेंट जेड माइनस वन बटे जेड प्लस वन दिया गया है, हम जेड की जगह पे रख देंगे, हम आर्गुमेंट ऑफ ये हो जाएगा जेड माइनस वन माइनस हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ किसका, जेड प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री, जेड की जगह पे आपको रखना है, ये हो जाएगा आर्गुमेंट एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस का आई वाई माइनस, आर्गुमेंट हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ठीक है प्लस आई वाई इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई थ्री। अब आप इसमें टैन इनवर्स का सूत्र लगाएंगे, ये आप करेंगे, ठीक है, हम लगाए दे रहे हैं टैन इनवर्स का सूत्र, वृत्त आता है इसमें ये, तो ये आ जाएगा भाई चूंकि माइनस है तो ये आ जाएगा वन अपान एक्स माइनस वन माइनस वाई अपान एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। इधर टैन इनवर्स आएगा, उधर भेज दीजिएगा टैन पाई बाई थ्री हो जाएगा, अंडर रूट तीन आ जाएगा। इसे आप हल करेंगे, आपको एक वृत्त की इक्वेशन प्राप्त होगी, सर्कल की एक इक्वेशन प्राप्त होगी, यानी कि 69 में हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, बी सही होगा, एक वृत्त बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलेगा, इसे करिएगा आप, आर्गुमेंट हमने निकाला, टैन इनवर्स निकाला, टैन इनवर्स ये बनेगा माइनस टैन इनवर्स ये, फिर हमने क्या किया, टैन इनवर्स वाला सूत्र लगा दिया, टैन इनवर्स माइनस टैन, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का, और टैन इनवर्स को उधर भेज दिया, है ना, तो आप करिएगा, चलेगा साहब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर Z270, ये क्वेश्चन बड़ा रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है क्या, Z1 प्लस Z2 दिया गया है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस, करवाया था हमको ना बुलाना सीरीज, तब उसमें सारे प्रश्न करवाए हैं,
अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको ना बुलाना सीरीज नहीं देखी है ना, तो देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंदाज में करवाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 2 Z1 Z2 Z1 Z2, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर है ना, और प्लस का हो जाएगा 2Z1 मॉडुलस का Z1 और Z2, ठीक है। ये इसको काट दिया जाए स्क्वायर से, ये इससे कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 2, ये हो जाएगा मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 और आ जाएगा कॉस में θ1 - θ2 इक्वल टू 2 मॉडुलस Z1 और मॉडुलस Z2 काट दिया जाए, जो कट रहा है उसे काट दिया जाए, Z1 से Z1 कट जाएगा, Z2 से Z2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आ गया हमारे पास कितना, कॉस θ1 - θ2 इक्वल टू 1, 1 कॉस में किसका मान होता है, θ1 - θ2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0°, यानी कि θ1 - θ2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये क्या है हमारा, ये है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस का हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 का जो सी वाला ऑप्शन है, 70 का सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 70 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 चलेगा। 71 वाला क्वेश्चन पिछले इसी क्लास में हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। तो 71 का जो बी वाला ऑप्शन आया था, करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस का आई ओमेगा के बराबर, भाई ये क्या लिखा, √3/2 प्लस आई कॉमन ले लेना इसमें, है ना, ये कल हमने कल लोगों ने करवा, अरे हम इससे वैसे कर लीजिए, नॉर्मली कर लीजिए, ये कॉस किसकी वैल्यू है, कॉस 30 की, कॉस 30 प्लस आई साइन 30 और यही सेम कॉस 30 माइनस आई साइन 30 कन्वर्ट करके डिमाइवर थ्योरम का प्रयोग करिएगा, फिर हल करिएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, रियल पार्ट जब बचेगा, जेड में सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का बी ऑप्शन, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन कल किया था हम लोगों ने, चलेगा। 72 इस प्रश्न को भी हम लोगों ने कल किया था, है ना, सेम क्वेश्चन था ये, कल वाली क्लास में हुआ था। तो 72 का ए वाला ऑप्शन आया था माइनस का 15, वो आप वहां से देखिएगा, कल करवाया था मैंने, चलेगा। आगे बढ़ेंगे 73, क्वेश्चन नंबर 73, हाँ इस प्रश्न को करते हैं, क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा प्लस आई बीटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इस रूट का एक इक्वेशन है, तो बताइए अगर एक इक्वेशन अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा अल्फा माइनस का आई बीटा, तीसरा हमको नहीं पता, तीसरा हमको गामा मान लिया हमने, तीसरा क्या मान लिया, गामा, कह रहा है देन वन ऑफ द रूट, इसका एक रूट और क्या होगा बताना है हमको, ठीक है, देखते हैं। सम ऑफ रूट निकालिए, सम ऑफ रूट सभी मूलों का योग निकालो, तो कितना हो जाएगा भाई, तीनों मूलों को जोड़ दिया जाए, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस तीसरा रूट है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है पी, और एक्स ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक वो है 1, ठीक है, इन दोनों को काट दिया जाए, ये कितना आ गया 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी, माइनस का पी, गामा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 2 अल्फा माइनस का पी, है ना, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, पी है ही नहीं कहीं पे, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 73 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, यानी कि 74, ये एक बहुत ही उम्दा सा क्वेश्चन दिया गया है, एम्पलीट्यूड हमको निकालना था इसका, अच्छा इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना था, है ना, देखिएगा आर्ग्यूमेंट निकालना है किसका, मान लो जेड के बराबर दिया गया है हमको, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है और माइनस का आई साइन थीटा दिया गया है, अभी इसका आर्ग्यूमेंट निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अब इसको करते हैं, पहले तो हम इसका हटाते हैं, क्या कॉस थीटा को हाफ एंगल में सबको चेंज किया जाए, इस 1 को हटाया जाए पहले, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस आई। अब यहाँ हाफ एंगल रख दिए तो यहाँ भी हाफ एंगल का सूत्र रख दिया जाए, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ठीक है भाई, इस वन से इस वन को काट दिया जाए और टू साइन थीटा बाई टू पूरे से कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, तो हमने टू साइन थीटा बाई टू को लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा साइन थीटा बाई टू और माइनस का आ जाएगा आई कॉस थीटा बाई टू, ये आ गया है ना। अब क्या करिए, एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है 74 में, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है। देखिएगा अब भाई, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस यहाँ होना चाहिए, साइन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये जेड है हमारा, ठीक है, इक्वल टू, इसको वही रहने दीजिए, टू साइन थीटा बाई टू इंटू, इसे हम क्या करिए चेंज कर लेते हैं, इसे चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको कॉस बनाना है तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, 90 माइनस थीटा बाई टू हो गया माइनस आई, और इसको हम बनाएंगे साइन, तो ये आ जाएगा 90 माइनस का थीटा बाई टू। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास आ गया जेड इज इक्वल टू कितना, टू साइन थीटा बाई टू, और ये बन गया ई की पावर में माइनस आई, और एंगल के अंदर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का थीटा बाई टू, थोड़ा सा और माइनस को और एडजस्ट किया जाए, टू इंटू आ जाएगा साइन थीटा बाई टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ई की पावर में आ जाएगा थीटा बाई टू, अब प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जेड दिया गया हमको, इस जेड का आर्गुमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आपको पता है कि जितने नंबर इंटू में होते हैं सबका अलग अलग निकल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ टू साइन थीटा बाई टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ये जो नंबर हमारे सामने लिखी है, और इसका आर्ग्यूमेंट हम डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं, ये इंटू में ई की पावर दिया है थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो इसका आर्ग्यूमेंट यही होता है, आई आएगा इसके साथ इंटू में, है ना, आई आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट यही तो होता है जो लिखा होता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा थीटा बाई टू माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, अगर दो नंबर इंटू में रहती हैं भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू अगर होता था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू करते थे ना। अच्छा, ये एक रियल नंबर है, और किसी भी रियल नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो वाई का मान तो यहाँ जीरो है, तो जीरो बटे कुछ भी रख दीजिए, तो टेन इनवर्स टेन जीरो, यानी कि जीरो हो गया इसका मान, प्लस और ये कितना हो गया हमारा थीटा बाई टू माइनस का पाई बाई टू, यानी कि ये आ गया थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे साफ, 74 यानी कि 74 में जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, कह रहा ए के किस मान के लिए 2 प्लस आई बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा कि 2 प्लस आई ए रूट होंगे इस इक्वेशन के। तो देखिएगा, हम दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक तो हमने मान लिया कि अल्फा पहला रूट जो है वो दिया है 2 प्लस आई ए, ठीक है, बीटा यानी दूसरा रूट जो होगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई ए हो जाएंगे, और तीसरा रूट हम गामा मान लेते हैं, गामा की वैल्यू हमको नहीं दी गई है तो हम पहले गामा को पता करते हैं। हमने पढ़ा है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा ये 2 प्लस आई ए प्लस 2 माइनस आई ए प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, देखिए यहाँ पे माइनस 5 माइनस माइनस 5 तो ये 5 हो जाएगा, 5 बटा 1 यानी कि सिर्फ 5 आ जाएगा, आई ए से आई ए को काट देंगे तो गामा बराबर आ जाएगा 5 माइनस 4 मीन्स गामा बराबर हो गया 1। अच्छा, गामा हो गया 1, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। अब हमें तीनों रूट पता चल चुके हैं और आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या मूलों का गुणनफल भी इस्तेमाल कर लें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, गामा नहीं निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए। तो देखिए माइनस माइनस 13/1 तो ये 13 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा अल्फा दिया गया है 2 प्लस आई ए, बीटा का मान दिया गया है 2 माइनस आई ए, गामा का मान दिया गया है कितना 1 1 इक्वल टू कितना 13, मल्टीप्लाई करिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 प्लस ए स्क्वायर,
चार प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, चार माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन रख देंगे तो प्लस का कर देगा इसको, और ये हो गया तेरह। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तेरह में चार घटा देंगे नौ आ जाएगा, और ए बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस तीन, प्लस तीन और माइनस तीन दोनों लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सी का मान क्या हो जाएगा भैया, ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 75 का सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए ये रही आज की क्लास, कंप्लीट हुआ ये यूनिट भी, चलिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं।